श्रवण वासु, श्रवण तुझे तो बड़ा वाला अवार्ड मिलना चाहिए। क्यों? दारू पी के लोग बोल नहीं पाते और तू रॉकेट की तरह बाइक चला रहा है, नजर ना लगे, तू मुंह काला करके घुमा कर। इसलिए तो तुझे साथ में रखता हूँ, नजर बट्टू बना के। नहीं भाई, मेरी पर्सनालिटी हीरो वाली है, नजर बट्टू वाली नहीं। क्या जोक मारा है सस्ते कॉमेडियन, खुद को हीरो समझता है क्या? मैं अभी सुपर टैलेंटेड हूँ, उछलना बंद कर, समझा? हाँ भाई, पता है तू मुर्दे की चट्टी सूंघ के बताता है कि वो किस गम में मरा है। चल चल, भगा भगा भगा, मेरी तारीफ कर रहा है कि मेरी ले रहा है। तेरी बाइक में ब्रेक तो है ना? ये तो मोगेम्बो का भतीजा गोगो है, आया है तो कुछ लेके ही जाएगा। सॉरी सर, हम दारू पी के चला रहे हैं। क्या? जिस मैदान में खुला सांड हो वहाँ से कोई गुजरता भी नहीं है और तू उसके सामने लाल लंगोटी पहन के नाच रहा है। नहीं रे, इसका गॉडजिला जैसे चेहरे पे मत जा, ही इज अ वेरी गुड बॉय। टपलू पपलू, इतनी देर रात को ये सफेद भूतों की सवारी कहाँ निकली है? दिखा, दिखा, आज इनको दिखाई दे। ये क्या माहिष्मती से फरमान आया है? निर्दयी औरतों के खिलाफ अबला मर्द करेंगे विलाप, महिलाओं के खिलाफ करेंगे हड़ताल, जिन्होंने नहीं की मर्दों की जांच पड़ताल। प्यार को समझा खिलौना, रातों को नहीं बिछाया बिछौना, निष्ठुर महिलाओं के शिकार अबला मर्द संघ। हाँ? संघ के अध्यक्ष प्यारे श्रवण हाजिर है सर, और उपाध्यक्ष मिस्टर वासु हाजिर हूँ सर। माफ कीजिएगा, एक पर्सनल सवाल, आज किस ब्रांड का अमृत पान किया है? सर, टाइट होने के बाद किसको ज्ञान रहता है कि कौन सा पान किया है? माँ बाप अपने हर बच्चे को एक जैसा प्यार करते हैं, ये मैटर भी वैसा ही है। वो पीले रंग का आता है ना, उसे क्वार्टर में मिला के वो पीते ना, वो क्या कहते हैं, कॉकटेल रे, हाँ वही कॉकटेल का पान किया है। अरे इस कॉकटेल की वजह से तुम लोगों को भूख लग गई होगी, अभी मैं तुम्हें बिरयानी खिलाता हूँ। अरे सुनो, इन साहसी पुरुषों का सम्मान करो। सर, मन में आपके भेद है और महिलाओं ने आपके साथ खेला, इसका हमें खेल। अरे वाह प्रभु, आप तो नंबर वन स्वामी है, बल्कि अंतर्यामी है। लड़की का नाम बताओ। वत्स, मेघना, मेरी मेघना। वो मेघना बार वाली मेघना क्या? नहीं भाई। हाँ तो चकले पर रेड मारते वक्त मिली होगी। अरे नहीं रे बाबा। फिर किस अड्डे पर मिली सर? अब वो ना, ए चल तू सुना ना। वो ऑनलाइन मिली थी, दिखने में हीरोइन थी। उसने कहा हमारे सर हीरो हैं, लेकिन जब उसके बाप को ये सब पता चला, उनके बाप ने इनके सर पे ऐसे मारे पंजे कि ये हो गए गंजे, और उस दिन से इन्होंने किसी भी मुजरिम पे हाथ नहीं उठाया। तब से कभी खुशी कभी गम चल रहा है। रो रहे कि डरा रहे? रो रहा हूँ मैं। क्या सस्ती लव स्टोरी है, चलो यहाँ से। इस हड़ताल के चक्कर में हमने इतने पैसे उड़ा दिए, इतने पैसों में और दो दिन पी सकते थे, ये भी कोई आइडिया है? देख भाई, अगर तू चाहता है कि हमें धोखा देने वाली लड़कियां हमारे पैरों पे आके गिरे, तो हमें भूखा रहना ही पड़ेगा। भूखे रहकर क्यों? क्योंकि आजकल भूखे रहने से सरकार गिरा सकते हैं, अपनी सरकार बना सकते हैं, पत्नी पति से पैसे निकलवा सकती है, बच्चा बाप से बाइक खरीदवा सकता है। भूखे रहने से लूज मोशन भी बंद हो जाता है, आजकल धरना फैशन में। फैशन का पैशन नहीं है और ना ही मुझे लूज मोशन है। क्या हम ये मामला कल लंच से पहले खत्म नहीं कर सकते? तो यहाँ भूख हड़ताल पे आया है या वजन बढ़ाने की कॉम्पिटिशन में? खजूर जैसा मुंह बना। खजूर जैसा? खजूर तुझे देखेगा तो पेड़ पे आना बंद हो जाएगा। नाइट में टाइट होकर इन्होंने महिलाओं के खिलाफ भूख हड़ताल तो शुरू कर दिया, पर इनकी जिंदगी में महिलाओं के आगमन से पहले इन्होंने साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया, और उसी बिजनेस यानी वासा मोबाइल्स की आज पहली सालगिरह है। बोल नहीं तो सरक। सॉरी भिड़ो। बियर के बढ़ते दामों को देखकर आपके लिए एक शुभ समाचार, हमारे दोस्त वासु की शादी तय हो गई। अरे रुको भाइयों, अबे झंडू, वासु की शादी 100% फिक्स नहीं हुई है, क्या 50% फिक्स हुई है? अरे भाई, लड़की के घर वालों ने मेरी पसंद की बाइक के लिए हाँ बोल दिया है, मैच फिक्स हो गया है। अरे मेरे शेख चिल्ली, तू मैच तो तब खेलेगा ना जब तुझे खेलने के लिए ग्राउंड मिलेगा, मेरे सिलेक्शन के बिना कैसे होगा मैच? इनके थोबड़े देखे, ऐसे फुदक रहे हैं जैसे इनके पापा की दूसरी शादी होने वाली हो। ए बंद करो। एक्सक्यूज मी बकवास बॉयज एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स। रे इधर, बिना मूछ वाला सनी है, सनी की बहन नहीं है, समझा? सॉरी,
एक्सक्यूज मी जेंटलमैन एंड जेंटल बॉयज, अब मेरे बचपन का दोस्त, मेरा प्यारा वासु गाना गाने वाला है हमारी दोस्ती के लिए। अरे नहीं, मैं फ्री में नहीं गाता, मैं तो गाना है। ठीक है, वो तो अभी मज़ा अच्छा गाता है। अच्छा, ओके। दोस्ती में झूठ बोले तो काला कौवा काटे, वो कौवे चुप हो जा। माँ डोसा लाओ ना। रुक जा, ला रही हूँ। माँ हूँ, रोबोट नहीं हूँ। देख श्रवण, एक माँ होने के नाते मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कह रही हूँ, 7 जन्मों का भूखा भी 10 डोसे एक साथ नहीं खाएगा। माँ, एक बेटा होने के नाते मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, 30 साल में लोगों ने यान बना के मंगल पे भेज दिया और अभी तक तुम डोसा बनाना नहीं सीखी। मैं भी तो वही कह रही हूँ, जिसे अच्छा सा डोसा बनाना आता है उसी से शादी कर ले। एक बार शादी हो जाएगी ना तो मैं यान बना के मंगल ग्रह पर निकल जाऊंगी, तब याद आएगी तुझे अपनी माँ की। तो क्या कल लड़की देखने चले? हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, जरूर चलते हैं। अगर लड़की हीरोइन जैसी दिखती है तो आज ही चलते हैं। तुझे सिर्फ मिस इंडिया जैसी ही लड़की चाहिए? सीता, गीता, मीता, ऐसी कोई लड़की नहीं चलेगी। तेरे जैसे होनहार बेटे को मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कह रही हूँ, जिंदगी भर तू अपने कच्चे खुद ही धोएगा। बच्चे की भूख से जान जा रही है और इन्हें कच्चे की पड़ी है। माँ डोसा लेकर आ। हाँ ला रही हूँ, ला रही हूँ। अरे मेरे भाई, तू भी आ गया, आजा आजा आजा, अंदर आजा। अरे तो कितना पतला हो गया यार, आजा बैठ, कुछ खाएगा? एनाकोंडा का अंडा उबाल के खिला। चलना यार, मजाक मत कर। लड़की से पहली बार करने जा रहा हूँ भेंट, हो जाएगा लेट तो किसी और से हो जाएगी सेट। भाई मैंने डोसा खा लिया है 8, मेरा फुल हो गया है पेट, तो क्यों ना तेरी गर्लफ्रेंड से कल करे भेंट। मोहम्मद अली की तरह मारू घुसे 7-8, लगा दूं तेरी वाट, फिर डॉक्टर से मिलेगा या पकड़ेगा खाट। चल झिंगुर। अरे रे रे वासु बेटा, इस नालायक को तो मिस इंडिया मिलने से रही, तू ही शादी कर ले और मुझे एक प्यारा सा पोता दे दे। माँ अब तूने कह दिया ना, 8 महीनों में ये खुद ही पैदा कर देगा। मम्मी के सामने कैसी बातें करता है। 8 नहीं 6 महीने में दूंगा। जय पपाइशमती। ए टेक ऑफ करना। क्या बात है भाई, मैं तेरी मंगेतर का इंटरव्यू लेने वाला हूँ, ये सोच के टेंशन में है क्या? इंटरव्यू मतलब नौकरी पे रखने वाला है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे तू मेरे घर के लिए कामवाली ढूंढ रहा है। इट्स अ रोमांटिक मीटिंग, इट्स कॉल्ड डेटिंग। नहीं भाई, अगर तू और तेरी मंगेतर हो तो वो है डेटिंग, लेकिन मैं बीच में आ जाऊँ तो वो है टेस्टिंग। मेरे भाई, ये तेरे भाई की जिंदगी का है सवाल, मत करना बवाल। अरे मैं हूँ ना, वही तो टेंशन। तू कह दे तो 2 सवाल पूछ के इंटरव्यू खत्म कर दूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है यार। लेकिन जरा सोच, कल को तेरा डाइवोर्स हो जाए और तू रोते रोते मेरे पास आए तो कितना दुख होगा मुझे, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता। यार तू दोस्त है कि डाइवोर्स करवाने वाला सस्ता वकील है। चल चल, जो भी होगा देखा जाएगा। अरे तुम तो डर गई, ये तो डरपोक निकली यार। By the way, I'm Shravan, वासु का क्लोज फ्रेंड। मेरे बारे में तो सुना ही होगा। नहीं मैंने नहीं सुना। इसने मेरे बारे में सुना नहीं? पटाने के चक्कर में बताने का वक्त नहीं। अरे अब तो अच्छे से इंट्रोड्यूस करा। तो सुनो, ये है मेरा लंगोटिया यार श्रवण, बचपन से लेकर आज तक पक्की दोस्ती है। मैं मोबाइल तो ये चार्जर, मैं येरवड़ा तो ये आर्थर, हम दोस्त कम फैमिली ज्यादा है। वासा, वासा। हमारे वासा मोबाइल का नाम वासा का वा और श्रवण का सा से पड़ा है। इसकी खजूर जैसी शक्ल पे मत जाओ, ये दिल का बहुत अच्छा है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ये बात करने आई है ना? ये तो शुरुआत है, शादी के बाद तुम ही बोलोगी और ये सुनेगा, और बाद में दोनों बोलोगे और मोहल्ला सुनेगा। सेटिंग नहीं होने देगा। इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये भोजपुरी फिल्में देख के ऐसा हो गया है। सड़क छाप फोटोग्राफर से फोटो खिंचवाई थी क्या? क्यों? क्योंकि फोटो में तो सुंदरी लग रही थी, आमने सामने रूप सुंदरी लग रही है। सही बोला ना? अरे रे, ज्यादा झुका तो गर्दन फुटबॉल की तरह गिरेगी। जॉक्स जॉक्स। अच्छा ये बताओ, मेरे इस गधे से शादी करने के लिए तुमने हाँ क्यों कहा? लेकिन गधा मेहनती होता है। इंटरव्यू चल रहा है ना। हाँ बोलो। मेरे मम्मी पापा को ये पसंद आए तो मुझे भी पसंद आ गए। अच्छा अगर कल को तुम्हारे पापा मम्मी इससे नफरत करने लगे तो तुम भी नफरत करोगी? माफ कीजिएगा, पर मैं आपकी तरह ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं सोचती। अच्छा तुम काफी घरेलू टाइप की लड़की हो, और हमारा दोस्त भी कुछ वैसा ही है, एकदम अपने माँ बाप का लाडला। मान लो कि शादी के बाद इसके घर वालों से तुम्हारी बिल्कुल नहीं जमी और बहुत झगड़े होने लगे, तो क्या तुम इसे अलग घर लेकर रहने को कहोगी या झगड़ा सुलझा कर एडजस्ट कर लोगी?
शादी के बाद तो इनका परिवार ही मेरा परिवार होगा, इसीलिए मैं झगड़ा सुलझा कर एडजस्ट करूंगी। अब सबसे जरूरी सवाल, चाहे फ्राइडे हो या फिर हो ड्राइडे या फिर हो एवरीडे, हम पीते जरूर हैं। तुमको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे मरवाएगा क्या? अभी बोलो ना। ये आप लोगों का पर्सनल मैटर है, मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ? ये लड़की है धासु, तू इससे शादी कर सकता है। अब ये तुम्हारा दूल्हा, तुम चलाओ इसका चूल्हा, क्योंकि तुमने इंटरव्यू में 100 में से 1000 मार्क्स पाए। वासु तेरी तो निकल पड़ी। इसकी बकबक के आगे दिल धक धक कर रहा था, लेकिन तुमने संभाल लिया। अब उसने क्यों इंटरव्यू लिया मेरा, ये सब क्या था? अगर वो हाँ नहीं कहता तो मैं तुमसे शादी नहीं कर पाता, पक्का दोस्त है। अब कोई दिक्कत नहीं है, सीधी शादी की पिपड़ी बजेगी। अरे गौतम क्या हुआ यार, तू वहाँ की औरतों के बीच खड़ा है, इधर आना। अभी से पसीना आ रहा है बेटा, पहले शादी तो हो जाएगी। रुमाल में बदबू आ रही। क्यों बेटा, कंट्रोल नहीं हो रहा है क्या? सुन देर हो रही है, काम पे जाना। अरे शादी तो गिफ्ट ले ले। भजिए तो खा के जा। अरे ठीक है वासु, पैसे देना, दोस्तों के लिए जुगाड़ करना है। अरे दारू नहीं, नींबू शरबत पिलाना। मत दे, मैं खुद ही ले लूंगा। अरे क्या कर रहा है? ये गिफ्ट के पैसे हैं। और मेरे गिफ्ट के। ऑल द बेस्ट भाभी। ये क्या पैसे? ब्राह्मण पिता। शादी मुबारक हो। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। हां चलता हूं मैं। हां ठीक है जा। अरे दोस्त की शादी से जल्दी भाग के जुगाड़ खेलने जा रहा है ना? हां ये कुछ भी मत बोल। अच्छा है, तीन पत्ती खेलना है। अरे छोड़ उसको। देख तुम दोनों की शादी के लिए ये स्पेशल गिफ्ट लाया हूं, पर इसे ध्यान से तू खुद ही खोलना, भाभी को मत देना। मैं क्यों नहीं खोल सकती? अरे ये मेरे दोस्त के लिए। अब हमारी शादी हो चुकी है, मेरा हक बनता है, मैं तो इसे खोल कर रहूंगी। तुम इसे नहीं खोलोगी? काना नहीं खोलोगी? मैं ही खोलूंगी, तो मुझे। तुम नहीं खोल सकती हो इसे। अरे रहने दो ना, इसमें गिफ्ट के अलावा कुछ और भी हो सकता है। मुझे देखना है। अब ला लेकर आए तो दिखा। शादी के बाद पति के हर प्रोडक्ट पे पत्नी का लेबल लगा होता है। खोलो जानू, देखो क्या है। अरे पैसा वसूल हो गया, नीचे भी होता है। वाह वाह, बढ़िया गिफ्ट है ना? सही है, मजा आया कि नहीं? ए चल चल, दे ताली। ए एक सेकंड, क्या वो सामने देखो ना। रात जवान हो रही है, अब जवान लड़ाई लड़ेगा। हाँ जाने मन चेहरा, जब लोग शर्माते हैं तो उनके गाल लाल होते हैं, लेकिन तुम शर्माई तो तुम्हारी नाक लाल। तुम्हारे दोस्त की वजह से हुआ है? कोई ऐसा मजाक करता है क्या? वो घूसा मेरी नाक के लिए था, तुमने अपनी नाक घुसड़ी तो मैं क्या करूँ जानू? मेरा नाम जानू नहीं, सीमा है। वो नाम तो दूसरों के लिए, मेरे लिए तो जानू। तो आज रात को तुम्हारे साथ कुच्ची को कर सकता हूँ क्या? सीमा पार करने के लिए तुम्हें सिक्योरिटी को तोड़ना होगा। सिक्योरिटी बहुत टाइट है। सिक्योरिटी के साथ ग्रीन टी पीना चाहता हूँ। चलो सेहत बनाते हैं। लाइट्स? ओके कनेक्शन काट के आता हूँ। आप रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ, बैठ जाइए। ए ऐसे ही सिपाही को मेडल थोड़ी मिलता है, पहले अंधेरा होगा फिर हमला होगा। मेरे स्कूल में थी कमला, उसको दिया गमला। मम्मी मरी क्यों? दुश्मनों ने पीठ पर वार कर दिया। तुम आओ सहारा दे जाओ। अता तो अब पीत कहती है? पेट तो ऐसा लग रहा है जैसे 18 महीने का बच्चा है, जन्म दे दो अब। अले पेट नहीं, पीत की बात कर रहा हूँ। सॉरी डॉक्टर, पीठ बिल्कुल ठीक है सर, आज डिस्चार्ज दिलवा दो ना, गुटरगु करना है। ऐसा मत करना, वरना बाद में किसी भी युद्ध में गन नहीं उठा पाओगे। डॉक्टर सात फेरे और कस्में खाई हैं। मतलब जल्दी ठीक हो जाएगा? मैं तो डर गया था, वो आप एक्सरे देख रहे थे तो मुझे लगा कि ठीक होने में 2-4 साल लग जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। चलो युद्ध दिखाता हूँ। भाई ये समझ ले तू किस्मत वाला है, अगर पेट की जगह तू पेट के बल गिरता तो हर तरफ से टूटा फूटा हो जाता। तू अपनी गटर का शटर बंद करेगा या नहीं, वरना मर्डर। अरे अरे क्या कर रहा है, कमर पे जोर मत डाल, नहीं तो सालों तक आराम करना पड़ेगा। भाभी पता होता ये इतना कमजोर है तो पलंग के स्क्रू नहीं निकालता।
अरे चिंता मत कर, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इन 10 दिनों में एक दूसरे से बात करके सबसे पहले पहचान बढ़ा लो, और उसके बाद ऊटी के एक बंगले में तेरा और भाभी का हनीमून, वो भी मेरी तरफ से। क्यों, ठीक है ना? वैसे भाभी, डॉक्टर कह रहे थे कि पूरी तरह ठीक होने में काफी वक्त लग सकता है, आपको इसका बहुत ख्याल रखना होगा, इसे अकेला बिल्कुल मत छोड़ना, इसे रोज चिकन सूप पिलाना। मुझसे इसका दर्द देखा नहीं जा रहा, दारू पीनी पड़ेगी। जानू, कॉमेडियन मैं हूँ, पंच वो मार के गया है, दर्द मुझे हुआ है और दारू पीने वो चला गया है। मजाक करना उसकी बचपन की आदत है। ऐसा मजाक, कमर टूट जाती ना तो हनीमून का सपना सपना ही रह जाता। वो दिमाग से पैदल है क्या? लड़की से कैसे बात की जाती है, उसको इस बात का बिल्कुल सेंस नहीं है। जब हम पहली बार मिले तो मुझे डराया, आपसे शादी करने के लिए मुझे उसे इंटरव्यू देना पड़ा, जबकि मुझे आपका लेना चाहिए था। शादी के दिन लोग आशीर्वाद देते हैं और उसने ऐसा गिफ्ट दिया कि मेरी नाक टूट गई। ओह, अब बहुत हो गया, ये सब मैं और नहीं झेल सकती। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आज के बाद आपकी और उसकी दोस्ती का दी एंड। जानू, ऐसा मत करो, मेरे कान का वो हेडफोन है, मैं EMI, वो बैंक लोन है, मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है, और तुम्हें भी तो भाभी भाभी कह के बुलाता है, कितनी इज्जत करता है। डॉन से दोस्ती चलेगी मगर इस डॉगी से तो बिल्कुल नहीं, उसे देखते हो तो मेरा खून खौल उठता है। ना ना, उसके बारे में ऐसा मत कहो। आप उससे दोस्ती खत्म करेंगे या नहीं? अरे जानू, थोड़ा टाइम दो ना प्लीज। ठीक है, मैं आपको आज से 6 महीने देती हूँ, अगर आपने उससे दोस्ती नहीं तोड़ी तो हनीमून उसके साथ है, हनीमून उसके साथ, और अगर दोस्ती नहीं तोड़ी है? तो सीमा पार करना तो दूर, आप सीमा को छू भी नहीं पाएंगे। है? ये सब 6 महीने बाद। जानू, जानम, जाने जिगर, जाने मन। क्या करता है, नाम खराब कर दे। लाउड स्पीकर पैदा हुआ था क्या स्पीकर की औलाद? अरे तेरी बत्ती गुल हो गई थी तो नाइट लैम्प जो गिफ्ट दिया था वो तो चालू करने का ना। मैं अपनी ट्यूबलाइट जला नहीं पा रहा, तुझे अपने लैम्प की पड़ी है, ये श्रवण मुझे तीर्थ यात्रा पे भेजेगा। अरे वासु, 750 का था ना इसलिए पूछा। तू एक काम कर, श्रवण को फोन करके बोल आज से तेरी और उसकी दोस्ती का दी एंड। चल ठीक है, शुरुआत तुझसे करता हूँ, अपनी दोस्ती खत्म। कुछ भी यार। सुन झिंगर, हमारी दोस्ती कोई 5 रुपए वाली आइसक्रीम नहीं जो पिघल जाए। वो चॉकलेट है तो मैं रैपर हूँ, वो बैट है तो मैं बॉल हूँ, साथ में पढ़े, साथ में पास हुए, साथ में फेल हुए, साथ में रोए, साथ में हंसे, साथ में गोटियां भी खेली है। वो गाना तो सुना ही होगा, दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन लगता है मुझे दम तोड़ना पड़ेगा। अरे दोस्ती इतनी टाइट है तो वाइफ को लूज कर दे। बीवी को डाइवोर्स देने के बाद जोगेश्वरी के तबेले में भैंसों का दूध निकालूं? देख, अगर दोस्त भी नहीं छोड़ना है, वाइफ भी नहीं छोड़ना है ना, तो जाके हिमालय पे घंटा बजा, तेरे लिए वही सही। ए, मैंने सोचा तू शादीशुदा है, मेरी मदद करेगा, लेकिन लगता है तेरी बीवी ने तेरा टैलेंट चम्मच से निकाल लिया है, इसलिए तो घटिया आइडिया का घंटा बजा रहा है। तो फिर इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है? इससे पहले कि तेरे दिमाग से आइडिया डिलीट हो जाए बता दे। देख रे बाबा, शादी का लड्डू हम दोनों ने ही खाया, अब उसके पास लड़की नहीं तो लड्डू कहाँ से खाएगा? मैं समझा नहीं। अगर उसका किसी के साथ इलू इलू हो गया तो सारा टाइम ओले ओले करता रहेगा ना, उसके बाद अपने आप बकरे की तरह वो भी शहीद हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो? बी पॉजिटिव। अगर तू कामयाब हो गया तो बॉर्डर पार हो जाएगा, वरना तेरा हिमालय जाना फिक्स है। अब तो ऐसी गुगली डालूंगा कि वो क्लीन बोल्ड हो जाएगा। एक नंबर का बेवकूफ है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। अरे जब अकल बट रही थी तो तू कहाँ पर था? अरे एक बार भी उस लड़की के बारे में नहीं सोचा? तो क्या करूँ, मैं अपने लंगोटिया यार के बारे में सोचना बंद कर दूँ? मैं तुझे कह रही हूँ, उस नालायक के चक्कर में तू अपनी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। क्या बात है माँ, क्यों इस सीधे साधे से प्यारे से लड़के को डांट रही हो? अरे डांटना तो तू ही बोल। तेरे पापा मेरे सपने में आए थे। मेरे पापा तेरे सपने में आए थे? मैं तुम्हारे पापा के साथ पाप पिक्चर देखने बैठा था। मजाक कर रहा, मजाक कर। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मेरे गाल पे इतने थप्पड़ मारे कि गाल का छप्पड़ उखड़ गया, और बोले कि तू तो घोड़ी चढ़ गया, उस गधे को घोड़ी कब चढ़वाएगा। और साथ ही मुझे ये भी कहा कि उसकी उम्र में मैं उस निकम्मे गधे का बाप बन चुका था, और वो नालायक ठीक से बेटा भी नहीं बन पा रहा है, बोल के चले गए। और फिर मुझे जंगली छींक आई और नींद खुल गई। अरे पागल, तेरी नई नई शादी हुई है ना, तो तुझे आशीर्वाद देने आए होंगे। मैंने फैसला कर लिया है, मैं सीमा को उसकी मम्मी की गोद में बिठा के आऊंगा, अपनी गोद में उसे तब बिठाऊंगा जब तेरी गोद में कोई और होगा और तू घोड़ी की गोद में बैठा होगा। ऐसा करने की क्या जरूरत? इसे क्यों मार रहा है? मार तो तुझे पड़नी चाहिए। शादी कर ले, शादी कर ले, कितनी बार कहा पर तूने मेरी बात मानी। अब सुन, इसकी शादीशुदा जिंदगी की जिम्मेदारी अब तेरे कंधों पर है। एक माँ होने के नाते कहना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी कह रही हूँ, किसी लड़की मैं शादी करूँगा।
जय पपेशमती। मेरे यार चल यहाँ से चलते। कहाँ जा रहे हो? मम्मी आपातकाल घोड़ी.com जाएंगे, घोड़े का फॉर्म भरेंगे, इसकी पत्नी ढूंढ के मेरी पत्नी ले आऊंगा। हीरोइन जैसी लड़की। अरे उसकी पायरेसी तो मिलेगी, पैर छूना यार। जीते रहो मिस इंडिया ही मिलेगी। अरे मैं कब से बोल रही हूँ, मैरिज भी और हैप्पी भी दोनों कैसे पॉसिबल है? छोड़ना, फोन रख बाद में कॉल करती हूँ। हाय, ये कौन है बे? नमस्ते, happymarriage.com में आपका स्वागत है। मैं कौशल्या हूँ, मैं आपकी क्या मदद करूँ? इस नौजवान रुक, मुझे नहीं चाहिए दुल्हन, जा रहा हूँ। रुक रुक रुक, क्या हुआ? आमतौर से रिसेप्शन पे सबसे खूबसूरत लड़की कोई बिठाते हैं, अगर शोरूम ऐसा है तो जरा सोच गोडाउन कैसा होगा। छाप शक्ल वाला आदमी मुझे बोल रहा है। मेन्यू के नाम पर मत जा यार, खाने में डिश कैसी है उस पर ध्यान दे। ये देखो इसका मौसेरा भाई। चलते फिरते तबेले से हमें क्या वास्ता, सर्कस का रिटायर्ड बंदर। लड़की सुंदर होनी चाहिए। रुकावट के लिए खेद है, ये मेरा दोस्त है श्रवण। ये खजूर, ये कुंवारा मर गया तो इसकी आत्मा भटकेगी, इसकी शादी करवा दो। हेलो, आपको ऐसे फोटो नहीं दिखा सकते, अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। हेलो, फॉर्मल कपड़े तो पहनकर आए हैं, बाकी फॉर्मेलिटी में क्या होता है, पैसे ना वो तो मुंह पे मारेंगे। इतनी चिल्लर दूंगा कि तेरा वजन 5 किलो और बढ़ जाए। सर आपको फीस देनी होगी। नहीं, लड़की देखने से पहले कुछ नहीं देंगे। सर आपकी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, आपके बारे में लिखना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। आप आराम से बैठिए, हमारी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपको सब समझा देगी। चल बिस्किट खाते हैं। इस लंगूर को तो बंदरिया दिलवाऊंगी। कौशल्या, क्लाइंट कहाँ है? वो रहा श्रवण। हाँ। हाय। हाय। मैं ऐश्वर्या बालाकृष्णन हूँ, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। वेलकम टू happymarriage.com, प्लीज कम इन। यस यस, वी कमिंग। मम्मी, लड़की मिलते ही मुझे धक्का दे दिया, धक्का बाज। Can you please excuse us? Yeah, sure. Thank you. Please sit. खड़े क्यों बैठे ना? क्या आप मुझे अपना बायोडेटा दे सकते हैं? क्या बायोडेटा? और मैंने तो आज तक कभी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। क्या है ना, मुझे जॉब से एलर्जी है। एलर्जी है? डॉक्टर ने मना किया। आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपसे ऑफिस की जॉब के लिए बायोडेटा नहीं मांग रही, मैं तो आपके मैच के लिए बायोडेटा मांग रही हूँ। अब उसकी क्या जरूरत है, मुझे तो लड़की मिल गई। तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ आने के बाद ही तो मिली है मुझे वो लड़की। आप कहना क्या चाहते हैं? कैसी लगी कविता? हेलो, किसी पागल खाने में जाकर कविता सुनाओ और मेंटल लोगों का इलाज करो, मुझे क्यों सुना रहे हो? आई लव यू सो मच, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तय हो गया कि तुम ही मेरे बच्चों की माँ बनोगी, अगर तुम हाँ कर दो तो शादी की तारीख पक्की कर लेते। How dare you? I love you. अभी ऑफिस टाइम है, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, शाम के 5 बजे के बाद मिलते हैं, इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। कह दो कि तुम्हारी दादी टपक गई है और छुट्टी ले लो, हम चलते हैं कॉफी शॉप और वहाँ फैमिली प्लानिंग करते हैं। छुट्टी के लिए मैंने दादी को पिछले हफ्ते ही मारा था। अच्छा ठीक है, तो हम शाम को ही मिलते हैं। पागल कहीं का। मेरा दिल तो नहीं तोड़ोगी ना? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा दिल कैसे तोड़ सकती हूँ, अब जाओ ना यहाँ से प्लीज। देखो ऐश्वर्या, आज से हमारे रिश्ते में ना सॉरी ना थैंक्स, सिर्फ बच्चों के नाम सोच लो। गए काम से। गुड इवनिंग सर। अरे भाई तू अंदर क्यों नहीं आ रहा? वो क्या है कि तूने अंदर आने के लिए तो कहा लेकिन मेरा अंदर आने का मन नहीं हुआ, वो शादीशुदा हूं ना। अरे क्या यार, तू भी मजाक करता है। ये हाथ हटा। कैसे रही मीटिंग, फोटो वोटो देखे, कोई लड़की वड़की पसंद आई क्या? क्या पसंद आई? अरे मैं तो प्रपोज करके आ रहा हूँ। क्या तूने फोटो को प्रपोज कर दिया? फोटो से पता नहीं चलता रॉन्ग नंबर लग गया तो। फोटो को नहीं, ऐश्वर्या को। वो मार्केटिंग वाली गोरी छोकरी जिससे दूध भी शर्मा जाए, दरअसल वो लड़की वो तो नहीं थी। ये कौन सी वाली है, मुझे नहीं पता वो कौन है। बोल रहा है मतलब तेरी जिंदगी में खुदकते हुए और कोई हीरोइन आ गई है। अच्छा वैसे उसने क्या कहा? हम आज शाम को 5 बजे मिल रहे हैं, मेरे स्टाइल में कहे तो ये रोमांटिक मीटिंग है, मतलब डेटिंग। पहले 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 पहली बार लड़की को मिलने जा रहा है, खाली हाथ बिल्कुल मत जाना, कुछ लेकर जाना। टी शर्ट लेकर जाऊंगा तो कैसा रहेगा?
दोनों मिलके चाय की टपरी खोलोगे क्या? टपोरी कहीं का? अरे उसके लिए कुछ रोमांटिक लेके जाना चाहिए। हाँ, ताजमहल लेके जा। ताजमहल? क्यों? क्यों? प्यार की शुरुआत ताजमहल से होती है, लड़कियों को अच्छा लगता है। वो तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो क्या वो गिफ्ट करेगी तुझे? पहले आंखों की ये खिड़की लगा, बाल का सुरताल ठीक है, झकास कपड़े पहनकर हीरो बन जा, फिर तो प्यार का सर्टिफिकेट मिलेगा ही। वासु। श्रवण। वासु। श्रवण। वासु। जा 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 जा। नाइट लैंप यूज करने की नाइट करीब आ रही है। हिम्मत तो देखो उसकी, ऑफिस आके मुझे प्रपोज कर दिया। भीगो भीगो के मारा क्यों नहीं उसे? ऐश्वर्या बेबी। ऐश्वर्या बेबी। हाय 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 हाय। अक्सर इसके जैसे खजूर तो मुझे बेबी कह के बुलाते हैं, लेकिन मुझ जैसी हॉट एंड सेक्सी को छोड़कर ये तुझ पे लट्टू हो गया। सच कहूँ तो तेरे लिए टट्टू ही सही है, तेरी तो निकल पड़ी। चुपचाप यहाँ से सरक लेते हैं। कहाँ जा रही हो? ऐसे मुझसे नजरें चुरा के भागना अच्छी बात नहीं। कौन है आप? हाँ? कौन है ये? सुबह से तो इसी का नाम जपे जा रही हो और अब पूछ रही कौन है ये हीरो? क्या सही ट्यून पकड़ा है? आज के बाद तुम सिर्फ कौशल्या नहीं, ट्यूनर कौशल्या। ड्रामा बंद करो, क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, मैंने प्रपोज किया, तुमने जवाब नहीं दिया। मैं बस जानना चाहता था कि... देखो मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, इसलिए मेरा वक्त बर्बाद मत करो और कहीं दूसरी जगह ट्राई करो। वादा किया था कि मेरा दिल नहीं तोड़ोगी, फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हाँ दिल बिल्कुल नहीं तोड़ूंगी, लेकिन तुम्हारा नहीं, मेरा दिल। अच्छा ठीक है, जो हो गया सो हो गया, कम से कम ये गिफ्ट तो ले लो। नहीं गिफ्ट नहीं ले सकती, मुझे जाना है। बेबी, अगर ये गिफ्ट तुमने खोल लिया ना तो पागल हो जाओगी और तुम मेरे प्यार में पक्का दीवानी हो जाओगी। हा? मैं सच कह रहा हूँ, लो खोलो इसे। ओ तो ये गिफ्ट खोलते ही मैं तुम्हारे प्यार में पागल और दीवानी हो जाऊंगी, ऐसा गिफ्ट है ये? हा? तो ठीक है खोल के देखती हूँ। जरा ध्यान से, ताजमहल टी? क्या है ये? ताजमहल एक प्यार की निशानी, लड़कियां इसे देखकर पागल हो जाती है, मेरे दोस्त ने बताया था। इसमें हंसने की क्या बात है यार? इसने मुझे प्रपोज किया है और साथ में ताजमहल टी गिफ्ट की है, तू ऐसा नहीं हंस सकती। लड़की हंसी तो समझो फंसी, ये भी मेरे दोस्त ने कहा था। क्या तुम अभी फ्री हो? हाँ। तो हम कहीं घूमने चले प्लीज। देखा मैंने कहा था ना, मेरा गिफ्ट ऐसा कि मेरे प्यार में दीवानी हो जाओगी। That is the real power of Taj Mahal. हाय। हाँ भाई किधर है तू? आपने जिस कस्टमर को फोन किया है वो फिलहाल ऑटो में बिजी है, इसलिए थोड़ी देर बाद कॉल करें या व्हाट्सएप करें। समझ गया समझ गया, तू कहना चाहता है कि उसके साथ डेट पर है ना? रोमांटिक मीटिंग मतलब डेटिंग। मजे कर मजे कर। वो मेरा दोस्त था। अब ताजमहल देने का आइडिया मेरे उसी दोस्त ने दिया था, जीनियस है वो। हाँ हाँ गिफ्ट देख के समझ गई थी, बहुत बड़ा लव गुरु है, गुरु है वो। अच्छा अभी कहाँ जा रहे हैं हम? कॉफी शॉप? नहीं। रेस्टोरेंट? नहीं। मॉल, थिएटर, पार्क, बीच? नहीं। तो फिर कहाँ ले जा रही है? घर पर कोई नहीं है इसलिए वहाँ ले जा रही हो, करेक्ट ना? क्या घर पे ले जा रही हो ना? चांस ही नहीं है, और हीरो मत बनो। वो तो मैं पैदाइशी हीरो हूँ। थैंक यू। ये क्या अपने घर की जगह मुझे म्यूजियम में क्यों ले आई हो? अरे चलो तो मैं बताती हूँ। वो सब तो ठीक है पर चलो तो पहले। कहाँ जाता तुम लोग? क्या मैडम आप तो समझदार दिखता है। क्या हुआ? टिकट के बिना अंदर जाना मना है। क्या भाई साहब आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं? क्या हुआ? आईएएस ऑफिसर ऐश्वर्या बालकृष्णन से अब तुम टिकट मांगोगे? आईएएस ऑफिसर सलाम मैम साहब, जाइए अंदर जाइए। झूठ बोल, जल्दी जाइए, बहुत बड़ा गलती करने जा रहा हूं। हेलो, म्यूजियम बंद होने वाला है, यू गो गो बीच, टाइम पास। हाँ, चलो बीच पर चलो। पता है मैं कौन हूँ? शाब शाब आईएएस ऑफिसर, ये आईएएस ऑफिसर है साहब। ऐश्वर्या बालकृष्णन आईएएस ऑफिसर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग और आई विल ट्रांसफर यू टू नो वाटर फॉरेस्ट। सर किसी वीराना इलाके में? नो नो सर, मैडम यू गो गो प्लीज। चलो वाओ कितनी अच्छी जगह। याद आ गया जब स्कूल में था तब यहाँ आया था। अच्छा अब ये ताजमहल मुझे क्या हुआ?
बताओ तो क्या हुआ? हाँ, वन सेकेंड। थैंक यू। ये प्रजाति अब विलुप्त हो चुकी है, तुमने ये मुझे क्यों बनाया? बताती हूँ बताती हूँ। पहले कोई अच्छा सा पोज दो। नहीं ऐसा नहीं, कुछ ऐसा। ओके। थोड़ा सा हंस सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल हंस सकते हो। क्या बात है, कितने समझदार हो तुम। मुझे ताजमहल के बजाय ताजमहल टी गिफ्ट कर रहे हो। तुम तो सच में एक विलुप्त होती प्रजाति ही हो। हाँ एक और बात, तुम जैसे लोग ना आम लोगों की तरह पब्लिक प्लेसेस में नहीं घूमते, सेलिब्रिटी हो ना। थैंक यू वेरी मच। और आने वाली यंग जनरेशन तुम्हें देख देख के बहुत कुछ सीखेगी। प्लीज अब तुम यहाँ से कहीं मत जाना, म्यूजियम में ही रहना और इसी पोज में। हाँ चलो एक सेल्फी लेते हैं। से चीज। चीज। थैंक यू। बाय। ए ऐसा लग रहा है कुवारे कुत्ते को मार के मम्मी बनाया है। श्रवण ए यकीन से कह सकता हूँ डायनासोर बचपन में ऐसा ही दिखता होगा। क्या लिखा है, ये प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। अरे ये क्या गले में लटका के खड़ा है? मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा मुझे ऐसा खड़े होने को, जैसे शादी के लिए वरमाला लेने गई हो। गुस्सा क्यों हो रहा है भाई? बोल तूने क्या, क्या किया? जैसा तूने कहा था वैसे ताजमहल गिफ्ट किया, वो खुश हो गई और मुझे यहाँ पर ले आई। ताजमहल खुद बनाया था क्या? दिखा गिफ्ट दिखा। मम्मी ये क्या है? ताजमहल। क्या कर रहे वासु? मैंने शाहजहां का ताजमहल कहा था, ताजमहल चाय की पत्ती नहीं। अगर मैं कहूँगा फूल दे के आना तो फूल गोभी देगा क्या? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भाई इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तू तो गलती से पृथ्वी पे पैदा हुआ है, तुझे तो मंगल पे पैदा होना चाहिए था। बेटा एक बॉल पे दो चौके, आशिक को बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते, तू कब तक ऐसे क्लीन बोल्ड होता रहेगा? मजाक कर रहा है। प्यार मोहब्बत तेरे बस की बात नहीं है। कई ऐसी फैमिली है जिसके गोडाउन में 5-6 लड़कियाँ होती है, वो किसी को भी अपनी लड़की चिपका देते हैं, तेरे लिए वैसी ही ढूंढनी पड़ेगी। चल। सॉरी दोस्त, जब तक मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नहीं कहेगी मैं यहाँ से एक इंच भी नहीं हिलूंगा। उसे ऐसा कहना ही होता तो पट्टा लटका कर नहीं जाती, पागल कहीं का। आशिक आवारा, चल चल। रुक, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पहले उसे पकड़ तो सही, समझा क्या? दिल के जज्बात खोल के रखने पड़ेंगे, बताना कैसे करूँ। चल चाय पे चर्चा करते हैं। कौन है आप? साहब ये आईएएस ऑफिसर ऐश्वर्या जी का घर है क्या? आईएएस ऑफिसर ऐश्वर्या बालकृष्णन का घर? ये क्या बकवास कर रहे हो, मेरी बेटी और आईएएस ऑफिसर, पागल हो गए? ऐश्वर्या। हाँ बोलिए। ये देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि तुम एक आईएएस ऑफिसर हो। पापा मैं बात करती हूँ। क्या बात करोगी बेटा, तुम्हें बीए पास कराते कराते मेरे बाल उड़ गए हैं। पापा प्लीज। लोगों को पागल कुत्ता काटता है, इन्हें पागल हाथी ने काटा है जो तुझे आईएएस ऑफिसर कह रहे हैं। हाँ बोलो क्या बात है। क्या मैडम जी आपने ऐसा क्यों किया? हेलो क्या किया मैंने? बकवास मत करो। क्या बकवास मैं कर रहा हूँ? मैम साहब चुपचाप मेरे साथ म्यूजियम चलिए, नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। सोच लीजिए। जल्दी चलिए मैम साहब वरना देर हो जाएगी। श्रवण 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 उठो श्रवण उठो। क्या आप भी, ये दोनों बेवकूफ यहाँ पर सो रहे हैं और आप ऊंट की तरह खड़े हैं। व्हाट, मैं कैमल की तरह स्टैंड हूँ? 6 बजे म्यूजियम क्लोज होने का टाइम होता है। नाउ राइट 11 बजे हैं। ले जाइए इन्हें। धीरे से बोल मुझे सोने दे। देख रही है मैम साहब कैसे ये दोनों मियां बीवी की तरह सिपक के सो रहे। मैडम एनी हाउ आप इनको आउट ले जाइए, नहीं तो हमारी नौकरी गॉन, वी गवर्नमेंट स्टाफ प्लीज। अरे तो आप पुलिस को बुला के इन्हें भगाते क्यों नहीं? मैं तो वही करने की थिंक कर रहा था, लेकिन फिर थिंक कि आईएएस ऑफिसर के दोस्त। ठीक है मैं इन्हें बाहर निकालती हूँ। ठीक है ओके मैं बात करती हूँ। श्रवणु श्रवण अपने प्यार के खातिर प्लीज मेरे साथ बाहर चलो ना। तुमने कहा था तुम्हें देख के लोग कुछ सीखे। तुम्हें देख के लोगों को जो याद है ना वो भी भूल जाएंगे, अब प्लीज यहाँ से जाओ। ठीक है हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन एक शर्त पर। शर्त पर? भाई मेरे दिल की बात बताना। हाँ, आपको इसके साथ जाके 4 रास्ता पे नंदू डोसा का मसाला डोसा खाना पड़ेगा। बात नहीं, दिल की बात, दिल की। सॉरी 5 घंटे से कुछ खाया नहीं तो पेट की बात निकल गई। तुम्हें देखा तो इसने जाना प्यार होता है दीवाना, ये चाहता है तुम्हें पार्क में घुमाना, क्या तुम चाहोगी जाना? ठीक है थैंक यू। वासु श्रवण जा 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 जा। हाँ बोलो जो भी बकवास करनी जल्दी बको, मुझे घर जाना। क्या कह रही हो, ये मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाएगी, ये मेरा दिल है, इट्स माय हार्ट।
हा? देखो देखो दिख रहा है ना? हाँ हाँ दिख तो रहा है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जिस वक्त तुमने मुझे प्यार से श्रवणु कहा था ना, उसी वक्त से मेरे दिल में गिटार बजने लगी। मैंने तुम्हारी इंसल्ट की, तुमसे पुतले की तरह पोज बनवाया, फिर भी तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? अरे अगर तुमने मेरी इंसल्ट अकेले में की होती तो मुझे बहुत गुस्सा आता, लेकिन तुमने इंसल्ट पब्लिक में की है इसलिए मुझे तुम पर प्यार आ रहा है। इंसल्ट करने से भी प्यार होता है? हाँ। ये तो कौन केस है? ऐश। आई लव यू। ये फ्रेम में हम लोग नहीं आ रहे, किंग कॉन थोड़ा मोटा है। हाँ तभी तो फ्रेम में नहीं आ रहे, किसी और से फोटो खिंचवाते हैं। किससे? हाय। मैम एक सेकंड पकड़ना। हाय कैसे हो ताजमहल वाले भैया? अच्छा हूँ ट्यूनर कौशल। अरे उस दिन ताजमहल चाय लाए थे, आज कुछ हॉर्लिक से बोनवीटा नहीं लाए हो क्या? फिनाइल लेके आया हूँ, पियोगी क्या? ऐश्वर्या बेबी बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कौशल्या स्कूल मेट, कॉलेज मेट, रूम मेट, यहाँ तक कि टेबल मेट भी होता है। क्या तुमने कभी फॉलो मेट के बारे में सुना है? फॉलो मेट वो क्या होता है? किसी को साफ साफ कह दो कि वो पसंद नहीं फिर भी वो पीछा करे, उसे कहते हैं फॉलो मेट। देखो ये रहे हमारे फॉलो मेट। थैंक यू। ये हमारे लिए कुछ भी करेंगे, वो भी बिना सर्विस चार्ज के। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी साफ करवानी हो, या फिर फोन रिचार्ज करवाना हो, या जब पिक्चर देख रहे हो तो पॉपकॉर्न लाना हो, ये सब कुछ खुशी खुशी करेंगे। क्या ये सर्विस मेरे लिए भी अवेलेबल है? आप इनकी दोस्त है ना, तो आपके लिए भी है। मिस्टर फॉलोमेट, अभी हम दोनों चाहते हैं कि आप हमारी किंग कॉन्ग के साथ फोटो लें। जो हुकुम मेरे आका। फोटो खींचनी तो आती है ना? इस काम के लिए तो लोग मुझे फॉरेन से। ओके सुनो, हम दोनों पोज करते रहेंगे, तुम धड़ाधड़ क्लिक करते रहना। ओके हाँ मैडम। ओके 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 नॉट ओके। क्या? अब मेरी बात का बुरा मत मानना, पर सेल्फी के नाम पे लड़कियां कैसे कैसे पोज देती हैं, ऐसे करके पोज देती हैं, ऐसे करके पोज देती हैं, ऐसे करके पोज देती हैं, कितने घटिया घटिया पोज देती हैं। कुछ तो नया ट्राई करो, फोटो ऐसी हो के मरने के बाद उस पे हार। हेलो, अपने काम से मतलब रखो। रेडी? अब देखो कमाल। किंग कॉन्ग मैडम जरा फ्रेम में आना। क्या बोलो बे? कौशल्या मैडम जरा फ्रेम में आइए ना। रेडी 1 2 3। क्या बेबी, चाइना के फोन के लिए कोई इतना रोता है क्या? ये कोई चाइना का फोन नहीं था, ये मेरे पापा ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया था, ये आईफोन था। आईफोन? मस्त सुनहरे बाल है, क्या चाल है, ये लड़की तो वाकई कमाल है। अरे ये लड़की नहीं मेरी बीवी है, कैसे दिन आ गए मैं अपनी बीवी पे लाइन मार रहा हूँ। आज तो इसके साथ हनीमून मना के रहूंगा। बोल क्या है वासु? मेरे भाई कहाँ है तू? चांद से निकला हूँ, मंगल पे जा रहा हूँ, शॉपिंग कर रहा हूँ यार। बोल क्या बात है? ये है कि अनारकली की तरह अंगड़ाई मत ले, बोल बात क्या है, जल्दी बोलना यार। अच्छा भाई सुन, बात ये है कि किससे बात कर रहे हो? हॉस्पिटल से फोन आया था, न्यू ईयर के लिए न्यू प्रेगनेंसी की नई स्कीम निकाली है, सिजेरियन डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी के रेट में कर देंगे, क्या कहती हो, प्लान शुरू करें क्या? अच्छा खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो। नहीं वैसा, चलो मुझे फोन दिखाओ। क्या देखोगी? दो मुझे दिखाओ। श्रवण, उफ, अगर उससे बात करनी है ना तो श्रवण नहीं शैतान के नाम से सेव करो। जानू, जानम, जानेमान, जानू बुलाया क्या? शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। हाय वासु, हाय भाभी, चलो जल्दी का नाम गाड़ी। रुकना, एक दो दिन घर क्या नहीं आया, नाराजी हो गया, पता है कब से वेट कर रहा हूँ तेरा मैं। कैसी हो भाभी, सब ठीक है ना, खुशखबरी कब दे रही हो? यही बाकी था। अरे भाभी तो शर्मा गई, क्या बात है वासु, मुबारक हो। डैडी डैडी ऐसी बात नहीं है,
बता तो क्यों आया वासु, वो बात ये है ना। शॉर्ट में बता, 150 किलोमीटर खींच के बोलता है। 50,000 रुपए निकल। ए, मेरे नल में सरकारी पानी आता है, पैसे नहीं, क्यों चाहिए इतने रुपए? वो कुछ आपातकालीन घटना की वजह से मेरी गर्लफ्रेंड का आईफोन मुझसे टूट गया, तो अब उसे नया आईफोन। इससे पहले की आपातकालीन घटना की वजह से मैं अपने दोस्त का सिर फोड़ दूं, तू अपनी फटफटिया पे सवार होके निकल जा। वासु वासु सुन, देख अगर तूने 50,000 नहीं दिए ना तो तेरी वजह से कुंवारा मर जाऊंगा। बात दोस्त, यही दोस्ती यही प्यार, 50,000 के बीच में दीवार। जुगाड़ करता हूँ। दूध हो नहाओ, पूतो फलो। Excuse me, sir. Yes, come in. सर, आपने जो हमें रिपोर्ट्स मेल करने के लिए कही थी वो कर दी हैं। Bye, sir. Thank you, sir. एक मिनट, तुम लोग बॉक्सिंग नहीं देखती क्या? पसंद नहीं है? नहीं सर, हम तो गोल्ड माइन की पिक्चर देखते हैं। गोल्ड माइन की पिक्चरें मैं भी देखता हूँ, पर उनकी पिक्चरें देखकर तुमने पंच मारना नहीं सीखा क्या? इस तरह के स्पोर्ट्स भी देखना जरूरी है, तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल होगा। वो क्या है ना सर, हम सीखना तो बहुत चाहते हैं, पर हमें सिखाएगा कौन? अरे मैं हूँ ना, मैं सिखाऊंगा। हर संडे एक घंटा सारे स्टाफ के लिए, कुंग फू, कराटे, बॉक्सिंग, रेसलिंग, सब कुछ फ्री में। थैंक यू सर। ओके, टेक केयर, बाय। ऐश्वर्या, हमारे MD इंडियन आर्मी में मेजर थे, स्टेट लेवल के बॉक्सिंग चैंपियन भी। मुझे लगता है तुम उनसे बॉक्सिंग सीख सकती हो। और फिर उसके बाद वो श्रवण का बच्चा अगर तुम्हारा पीछा करे ना, तो उसे यूं घूंसा मार के तुम उड़ा देना। आ गया लंगूर। ऐश्वर्या बेबी, मुझसे तुम्हारा फोन टूट गया था तो सोचा नया फोन दे दूं, इसलिए मैंने पूरी दुकान ही लगा दी। तुम्हें जो भी पसंद आए वो ले लो। चाहो तो टेबल भी ले जा सकती हो, इससे तुम्हें 3 फायदे होंगे। चाहो तो किताब पढ़ सकती हो, या फिर किताब बंद करके सर नीचे रख के सो सकती हो, या फिर क्या कर रहा है, ऊपर चढ़कर पंखा भी तो साफ कर सकती हो। कौशल्या, तुम भी एक फोन ले सकती हो, मेरे पास पहले से ही है। आंटी, जो भी पसंद है ले लो ना। आंटी किसको बोला मैं? पकौड़े जैसी शक्ल वाले? मैं तुझे आंटी दिखती हूँ? मैं कितनी खूबसूरत हूँ? मेरे इशारे में तो लड़की घायल हो जाए। गलती हो गई कुंग-फू पांडा, गलती से मिस्टेक हो गई। तुम तो बहुत क्यूट हो। हाँ, क्यूट तो मैं बहुत हूँ। ये डुअल से मैं क्या? हाँ, वही है। हाँ, तो मैं ये ले रही हूँ, थैंक्स। बेबी एलिफेंट, तुम्हारे हाथ में एक फोन दिखेगा भी नहीं, इसलिए 3-4 और ले लो ना। मैं जानती हूँ अभी फोन दे रहे हो, बाद में घर में बिल भेज दोगे, भिखारी कहेंगे। ऐश्वर्या, अगर तुमने अभी कोई फोन नहीं लिया ना, तो मजबूरन मुझे तुम्हारे घर के पास ये पूरी दुकान। मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, दे रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, इसने मेरा आईफोन तोड़ा है, तो बदले में मुझे आईफोन ही चाहिए। ये वाला, थैंक्स। एक्सक्यूज मी लेडीज, मेरे पापा की शादी में आई हो, जो ढोकले पकोड़े की तरह फोन उठा के जा रही हो, इसका पैसा कौन देगा? तेरा ससुर देगा या तेरा चाचा? और हाँ, मैं मजाक नहीं उड़ाता, सीधा इंसल्ट करता हूँ। कैसी रही बेशरम लड़कियों? ए, मैं बिका हुआ माल वापस नहीं लेता, पैसे दो पैसे। ये क्या कर रहा है तू? तूने ही तो कहा था कि उन लोगों को फोन दे देंगे। मैंने तुझे कहा था कि फोन दूंगा, लेकिन फ्री में नहीं। पैसे दो। क्या कर रहा है मेरे भाई? देख सुन, कुंग-फू पांडा से पैसे लेने तो ले ले, पर मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा मत कर यार, मेरी इज्जत का सवाल है यार। मानता हूँ तेरी इज्जत का सवाल है, लेकिन मेरे तो पैसों का सवाल है ना। Excuse me. ये भाड़े का कोट पहन कर कौन आया है? ऐश्वर्या, can I help you? Any problem? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लीज जाइए। सर, बहुत प्रॉब्लम है सर, ये जो लाल शर्ट वाला लड़का है ना, ऐश्वर्या को 3 महीने से टॉर्चर कर रहा है। शादी के नाम पे टॉर्चर करता है, वहाँ तक तो ठीक है सर, पर गिफ्ट के नाम पे भी टॉर्चर करता है। और उसका वो चमगादड़ दोस्त, वो भी टॉर्चर करता है। सर, आपका मिलिट्री का 2.5 किलो का हाथ है सर, इन्हें पड़ा तो ये उठेंगे नहीं, उठ जाएंगे। इतना कुछ हो गया और तुम लोग मुझे आज बता रही हो? सर, आपको हम परेशान नहीं करना चाहते थे। देखो ऐश्वर्या, अगर मेरे एम्प्लॉय को कोई तंग करे तो मैं चुप नहीं बैठ सकता, मेरे कैंपस में ये नहीं चलेगा। रुको, तुम्हें घर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? 45 मिनट्स। तुम्हारे घर पहुंचने से पहले ये दोनों तुम्हारे दरवाजे पर तुमसे माफी मांगने नहीं आए तो मैं दोबारा आर्मी ज्वाइन कर लूंगा। इससे पहले कि ये हमें भगवान के पास भेजे, हम निकल लेते हैं। सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। माय टाइम ऐश्वर्या, आज इन्हें मैं सबक सिखा के रहूंगा। देख, मैंने कभी आर्मी वाले के हाथ से मार नहीं खाई। वो मारने आ रहा है, मिठाई खिलाने नहीं। सर, अगर आपकी ये हालत है तो उनकी क्या हालत होगी? अगर मेरी ये हालत हो चुकी है तो वो इस मेजर के हाथों इस दुनिया से उठ चुके होंगे, यही सोच रही हो ना? मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्हें तो खरोच भी नहीं आई, लेकिन उन्होंने मुझे
सर 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 सॉरी सर, ऐसा लग रहा है जैसे ये गुंडा बन के हमें तबाह करने आ रहा है। नहीं सर। श्रवण, अब तक कॉमेडी बहुत कर ली, अब एक्शन दिखाने का टाइम आ गया है। इसे फिल्म दिखानी है क्या? सर माफ कर दीजिए सर, वो कुंफू पांडा हमारी बहन जैसी है सर। तूने घूसा मारा क्या? नहीं भाई, तूने मारा क्या? नहीं तो ये ऐसे क्यों कूद रहा है जैसे कंगारू ने लात मारी? माफी के लिए हाथ पकड़ो, माफी के लिए पैर पकड़ लो, और तो और माफी के लिए जो चाहे पकड़ना है पकड़ो, लेकिन इस इंडियन आर्मी मेजर के मेजर पार्ट को मत पकड़ो। माँ बोल देता हूँ। समझ गया ना क्या करना है? अटैक। लास्ट वार्निंग। गुड गुडी, गुड गुडी, छोदक छोदक के हो की, गुड गुडी, चिंता मत करो ऐश्वर्या, चिंता मत करो। उन्होंने इस शेर को घायल किया है, और तुम जानती हो शेर घायल हो जाता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। उनको तो मैं टेक केयर सर। भाई तेरी वजह से ऐश्वर्या ने गुस्से में छुआ, प्यार से कब छुएगी? इस गाड़ी में तेरी छुक छुक गाड़ी भी जरूर दौड़ेगी। यस 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 यस। उछलना बंद कर। लैंग जाए। जैसे कमल कीचड़ के बिना, हीरा कोयले की खदान के बिना, और कुत्ता हड्डी के बिना अधूरा होता है, वैसे ही तो उसके बिना अधूरा है, उसे समझाना पड़ेगा। ये कैसा कॉम्बिनेशन है? तेरा कॉम्बिनेशन भी ऐसा ही है, तू नहीं समझाना? मतलब प्लान सक्सेस। वो अगले स्टेशन पे चढ़ेगी, मैं जो बोलता हूँ वही करना। श्रवण, क्या बात है, आज हम ट्रेन में साथ साथ जाएंगे? हाँ तो ट्रेन में ही जाएंगे ना, रॉकेट पे बैठ के चांद पे हाथी का अंडा ढूंढने थोड़ी ना जा रहे हैं। सुनो, ज्यादा हंसो मत, मामला सीरियस है। इसे तुमसे प्यार? रुक लो, मेरे दिल की बात मुझे बोलने दे, बहुत प्रैक्टिस भी की है। इसके तो बोलने पे भी जीएसटी लगना चाहिए। तू रानी तो मैं राजा हूँ, तू फ्रूटी तो मैं माजा हूँ, हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। मामला मिट्टी में ही मिल रहा है। भेजते तो दिल की बात कर रहा है या भीख मांग रहा है? अरे ओ, हंसना बंद करो, सीरियसली एक बात बता रहा हूँ, अगर तुमने इसे आई लव यू टू नहीं बोला ना, तो ये जंपिंग जैक की तरफ उड़ जाएगा। क्या बोल रहा? तुमने लोगों को प्यार में गिरते देखा होगा, लेकिन प्यार को ट्रेन में से गिरते नहीं देखा होगा। आज होगा लाइव टेलीकास्ट, चल बेटा। एक बार तू कूद के दिखाना प्लीज। इन दोनों को म्यूजियम में रखना चाहिए। शादी होगी तो हनीमून पे तू ही जाएगा ना, अगर मस्त स्वर्ग देखना है तो मरना भी तुझे ही पड़ेगा। ठीक है कूदूंगा, चलता हूँ दोस्त। गुड लक। क्या हो गया? कुछ नहीं, बस आखिरी बार कुछ कहना चाहता हूँ। आई लव यू, आई लव यू सो मच ऐश्वर्या। आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर आई लव यू टू नहीं बोला ना तो बहुत पछताओगी। मरने के बाद ये भूत बनेगा और दाढ़ी बढ़ा के लेडीज डिब्बे के सामने खड़ा रहेगा। ठीक है ठीक है, इसके मरने की खुशी में गुप्ता चना भंडार पे जाके तुम दोनों जी भर के पानी पूरी ठूसना मेरे भाई। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, मत कूदो प्लीज। क्यों? तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता, मत कूदो। अगर प्यार से कहोगी तो मान जाऊंगा। तो फिर वादा करो कि अभी नहीं कूदोगे। ठीक है, नहीं कूदूंगा। गॉड यस। नहीं कूदा। देखा बेटा, सेटिंग कर दी ना, हनीमून पे कहाँ जाना है सोचना शुरू कर दे। वहाँ जाके आइसक्रीम खाएगा। चलो 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 चलो, अब तुम यहाँ पे कूद सकते हो। क्या सोच रहे हो श्रवण, आओ ना। वो क्या है ना, अगर तुम वहाँ से कूदते तो बस छोटी मोटी चोट लगती और बच जाते, लेकिन ये ना बड़ा धांसू ब्रिज है, यहाँ से कूदे ना तो बचने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मस्त है ना? कोई लड़की हो कि यमराज। ए, तुझे प्यार से आज बेबी का कह दिया, खुद को मिस वर्ल्ड समझने लगी है। शांत हो जा, तू बीच में मत आ,
दिखने में कुछ खास तो है नहीं, सोचा शादी करके इसकी लाइफ बना दूंगा, पर ये तो मेरी लाइफ की वाट लगा रही है। ये क्या बकवास कर रहे हो, व्हाट द हेल? अरे क्या हेल बेल शेल, सुन ले, आज तक तू मुझे रिजेक्ट करती रही है ना, आज मैं तुझे रिजेक्ट करता हूँ, तेरा नाम मेरे लाइफ से कट, आई हेट यू। अरे क्यों ओवर एक्टिंग कर रहा है, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे दिमाग तो अब ठीक हुआ है, मिस वर्ल्ड तो बहुतों को नहीं मिली है, कम से कम किसी और पे ट्राई करूंगा तो वो तो मिलेगी। अगर वो भी नहीं मिले तो? अरे आसपास इतने गर्ल्स हॉस्टल है, कोई ना कोई तो पटी जाएगी। रे ए ए, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ, इसे बाटली में उतार के आता हूँ। ए, ए, रुकना, अगर ऐसी घटिया हरकत करेगा तो अपने बापू का सपना कैसे पूरा। मैं इस ऐश्वर्या से कहीं ज्यादा खूबसूरत लड़की से शादी करके ही दिखाऊंगा, चाहे इसके लिए 20-25 साल क्यों ना लग जाए। पिताजी सपने में आए तो कह देना मैंने तेरी कसम खाई है। ए, ये छोकरे दिख रहे हैं, बिना खाना खाए बिना दारू पिए धरने पे बैठे हैं, हमारे लिए जीतेंगे लड़ाई जल गई कढ़ाई हमारा नारा है। पढ़ जरा, 3 साल से कल्पेश एक ही क्लास में, क्योंकि इसने कॉलेज की फीस नहीं पार्लर का बिल भरा है। ऐसे ऐसे नारे लेकर ये सारे नर बैठे हैं और तेरे पेट में टर टर हो रहा है बिरयानी के नाम का। माफ कर दे यार, ऑलरेडी कादर भाई को 2 बिरयानी बोल दिया। त्याग ही सफलता का मार्ग है। बिल्कुल सही, त्याग ही सफलता का मार्ग है। CBRK, ये लीजिए। MB, माफ कीजिए देर हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। ये कौन है भाई, हम खड़े हैं भूखे, ये थमा रहा है भूखे। इनका नाम है सुल्तान भाई, ये कादर भाई के होटल में मैनेजर है। तू जानता नहीं ये बहुत बड़ा स्मगलर। बहुत बड़ा स्मगलर? अरे मजाक कर रहा हूँ यार, मशरूम और चीज बिरयानी तूने सुना ही होगा, बुके बिरयानी सुना है क्या? बुके बिरयानी? CB है चीज बुके, MB है मशरूम बुके। कुत्ते की तरह सूंघेगा तो कांटे घुस जाएंगे, यहाँ पे नहीं कहीं और चलते हैं। अरे भाई, अध्यक्ष होने के नाते एक जोशीली स्पीच दे कर रहा हूँ। चाहे जितने भी बिगड़े सुरताल, हम नहीं तोड़ेंगे हड़ताल, मिलाओ हमारे ताल से। ओवर एक्टिंग मत कर, इंटरवल समझ के कुछ खाना मत, हम लोग अभी आते हैं। भाई सीने में जलन हो रही है, क्यों? डकार मार रहा है, एसिडिटी हो रही है तो खाने का सोडा ठूस ले। ठीक है, पर ये बता, वो लोग सो रहे हैं क्योंकि वो भूखे हैं, हम सो रहे हैं क्योंकि हमारा पेट भरा हुआ है, तो उनमें और हम में फर्क क्या हुआ? वही फर्क जो लीडर और सपोर्टर में होता है। ये कौन सा फर्क है? ध्यान से सुन, एक सपोर्टर अपने लीडर के लिए जान दे सकता है और लीडर जीत के लिए सपोर्टर की जान ले सकता है। फिर तो पाप लगेगा यार। अरे काहे का पाप, एक लीडर तभी लीडर बनता है जब उसके लिए किलो के हिसाब से कुर्बानियां दी जाती हैं। इतिहास गवाह, लीडर के बिना जनता चल नहीं सकती। तुझमें रिपेयरिंग काम बहुत है, बहुत सीखना बाकी है, तू श्रवण बन के नहीं सीख पाएगा, चाणक्य बनना पड़ेगा। चाणक्य? ये कौन है भाई? ले पी ले। एक मिनट, पहले दिल के गोडाउन का दरवाजा खोल दे और बोल दे कि तूने ऐश्वर्या के साथ ब्रेकअप किया है ना? हाँ बिल्कुल। गटक ले। बेटा अब बोल। मैं प्यार की फटफटी चलाना चाहता था, लेकिन उसने मेरा टायर ही पंचर कर दिया। उसने मेरे प्यार को कभी सीरियसली नहीं लिया, वो मुझे हमेशा सिर्फ एक कॉमेडियन ही समझती रही। लेते रहे, लेते रहे। और मैं वफा करके भी बस तेरे साथ ही रह गया भाई। आई लव यू ऐश्वर्या, ऐश्वर्या मेरी जान है, जिगर है, गुर्दा है, फेफड़ा है। पुलिस की मार खा के भी लोग सच नहीं बोलते, यहाँ एक बियर से ऑल क्लियर हो गया। कितना प्यार करता है उससे, दिल जिगर नजर क्या है भाई, मैं तो उसके लिए जान भी दे दूं। हम जा कहाँ रहे हैं भाई? मॉल में। मॉल में कोई खास चीज लेनी है? भैंस लेने, भैंसों की सेल लगी है ना। मेरी बात सुन, जैसे मैंने तेरे हलक में हाथ डाल के तेरे प्यार को अंदर से बाहर निकाला है, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है तेरी ऐश्वर्या के साथ भी। उसे भी बियर पिलाएगा? नहीं, नहीं, उसे उगलवाने के लिए बीड़ी पिलाऊंगा। क्या यार मजाक करता है, मजाक करता है। मजाक नहीं, सीरियस हूँ। एक बार तेरा सेट हो जाए फिर मैं बन जाऊंगा PPU वाला। PPU? हाँ तो, प्यार का पोपट उड़ाने वाला। मैं समझा नहीं। अरे समझने के लिए पंछियों से प्यार होना चाहिए, तू तो गधे को भी नहीं समझ पाता। चल ठीक है, फिल्म स्टाइल में समझाता हूँ। लव के लिए कुछ भी करेगा। पर लव के लिए कुछ क्यों करेगा?
आज इस मॉल के अंदर तेरी प्रेमिका और उसकी दोस्त कुंगफू पांडा हमेशा की तरह विंडो शॉपिंग करने आए हैं। तू जाकर उनसे मिलेगा, कौशल्या को साइड पे लेगा और पचाक से उसे गले लगाएगा, फिर बोलेगा आई लव यू कौशल्या। ये कैसा प्लान है? कौशल्या को प्रपोज करूंगा तो मुझे ऐश्वर्या कैसे मिलेगी? मॉरल ऑफ द स्टोरी सुन, जब किसी भी माँ को अपने बच्चे को खाना खिलाना होता है तो बच्चा खाता नहीं नखरे दिखाता है, तो आमतौर पर माँ कहती है कि खा ले वरना पड़ोसी के बच्चे को खिला दूंगी। फिर बच्चे क्या करते हैं? खाने लगते हैं। नो बॉल पर सिक्सर। जब कौशल्या को हक करके हक से आई लव यू बोलेगा, फिर ऐश्वर्या को एहसास होगा कि वो तुझसे प्यार कर रही है। आइडिया है दोस्त। मैंने अगर कौशल्या को प्रपोज किया और वो खुशी के मारे मुझ पे गिर गई तो मैं तो छोटा चेतन बन जाऊंगा। ये मैटर बेटर तरीके से समझाता हूँ। कौशल्या को सब कुछ पता है, उसको जलेबी फाफड़ा देकर मैंने खरीद लिया है। कौशल्या अपनी टीम में। अच्छा तो बोल श्रवण कहाँ है? क्यों, मेरी खुशी तो उससे बर्दाश्त नहीं होती। हाय श्रवण। क्या बात है मिस्टर श्रवण, आपको गर्ल्स हॉस्टल में कोई प्यारी सी सुंदर सी अच्छी लड़की नहीं मिली या उन्होंने घास नहीं डाली जो तुम फूल लेकर मेरे पास आ गए? मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे मैडम अब शांत हो जाओ, आज एकादशी के दिन तुम्हारा प्रवचन सुनने नहीं आए, हम तो पूनम के चांद के दर्शन करने आए। आई लव यू कौशल्या, आई वॉन्ट टू बेडिंग यू, आई लव यू सो मच कौशू। अरे धीरे धीरे धीरे, छोटा सा भूकंप इस मॉल को मिट्टी का ढेर बना देगा, धीरे धीरे। हाँ तुम मेरा दूसरा प्यार थी लेकिन इसके जाने के बाद पहला प्यार बन गई, कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरा दिल भटक गया था जो पागलों की तरह ऐश्वर्या ऐश्वर्या के नाम से भड़क रहा था, पर अब कौशल्या कौशल्या के नाम से धड़कता है। तुम्हारा दिल भी श्रवण श्रवण करके भड़कता है ना? तुम डबल एक्सेल हो तो क्या हुआ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए ट्रिपल एक्सेल है। तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, काजपाड़ा में हनीमून मनाएंगे, इतने बच्चे पैदा करेंगे कि खुद का स्कूल खोलना पड़ेगा। तुम मेरी डबल रोटी अर्धांगिनी बनोगी ना? विल यू मैरी मी कौशल? ये क्या कर रही है? लगता है पेनल्टी किक मारने वाली है, इसकी किक से मर जाएगा। उठ 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 उठ, उठ ना, उठ गया। I love you, Shabnu. I love you, baby. I love you, Hal. सुन, ये मुझे जलाने के लिए तुझे प्रपोज करके ड्रामा कर रहा है और तू बिना सोचे समझो से किस किए जा रही, अकल घास चढ़ने चली गई है। मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। ओहो, तू जल रहा है तेरा दिल और फाड़ रही है मुझ पर बिल। कौशल्या? हाँ, कौशल्या नाम है मेरा, नाम ऐश्वर्या तो खुद को हीरोइन समझती है, लड़के सिर्फ तुझे ही प्रपोज करेंगे। क्यों, प्यार के लिए सिर्फ तू ही बनी है क्या? मैं भी हीरोइन से कम नहीं हूँ। सुन ले, मेरे और शबनू के बीच में आने की कोशिश मत करना। मैं तुम दोनों के बीच में आऊंगी? हाँ, इतना हैंडसम प्यार करने वाला लड़का खो दिया है तो बीच क्या, तू तो समंदर में भी गोते लगाएगी। दिमाग रुक, जल कुकड़ी। जब मैंने इसे प्यार किया था तो तुमने ट्यूनर बन के मदद की थी, अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो ट्यूनर बन के मदद करने की बारी इसकी है। क्या बात है, नाम भी बड़ा ही अच्छा है, ट्यूनर ऐश्वर्या। क्या कहती हो, ट्यूनर ऐश्वर्या? ओ हो, क्या एक्टिंग करती हो, जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया तुमने, बहुत ही टैलेंटेड निकली तुम यार। ये तो नाटक कंपनी खोल सकती है, अपना खुद का ड्रामा करो, बहुत पैसे कमाओगी, जबरदस्त एक्टिंग करती हो। एक्टिंग नहीं थी, मेरे दिल की फीलिंग्स थी। फीलिंग्स? भाई इसको बताया नहीं अपनी गाड़ी कौन से ट्रैक पे चलने वाली? सोचा शो खत्म होने के बाद ही बताऊंगा। क्या बात कर रहे हो झिंगर, इस पांडा से डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पप्पी से वो जल के खाक हो गई, आगे आगे देखता जा। देखिए बहन जी, इन दोनों का टाका भिड़ने के लिए आपको यूज किया, बुरा मत मानना। एक दिन ऊपर वाला तुमसे दुगनी साइज का लड़का तुम्हें देगा, इंतजार करो, अब चल सक्सेस पार्टी मनाते हैं। ए शाने, इधर आ। तूने क्या मुझे सीधी सादी अबला नारी समझ रखा है? मैं बहुत ही खतरनाक लड़की हूँ, बीच सड़क पे गोली मार दूंगी तुझे। जब से तुझे पहली बार देखा था ना, तब से तुझ पे नजर है। लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं किया क्योंकि तू मेरी फ्रेंड से प्यार किया करता था, लेकिन आज तूने सबके सामने मुझे प्रपोज किया है, शादी तो करनी ही पड़ेगी। नहीं की तो क्या करोगी? तो फिर इस मॉल की सीसीटीवी फुटेज निकाल कर मैं तुम पर केस कर दूंगी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। केस करते की? ए, गलती हमारी थी इसलिए अब तक मैं चुप था, लेकिन अब तू ज्यादा ही बोल रही है। हाथी जैसे कान खोल के सुन ले, हमने तुझे यूज किया क्योंकि हमारी मजबूरी थी, अगर इसको परेशान किया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा। ये क्या 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 किया इसमें? क्या वो क्या है, अगर इसने शादी नहीं की तो मैं जान दे दूंगी और मरने से पहले ये फोटो व्हाट्सएप पे वायरल कर दूंगी। थैंक्स, बाय। सुनिए ना सिस्टर, बोलो ना भैया, आप दोनों ने अभी पप्पम पप्पी किया, मतलब सगाई तो हो चुकी है और जल्दी ही शादी भी हो जाएगी। मैं शादी शुदा लोगों के बीच नहीं आता। और अगर गलती से बीच में आने की कोशिश की ना तो तुझे बीच वाला बना दूंगी। ओके डार्लिंग, अब जल्दी से घर जाओ और मम्मी से बोलकर शादी की डेट फिक्स करवाओ, मैं इंतजार नहीं कर सकती। Bye.
मिल गया मेरे भाई। अगले महीने की ठीक 10 तारीख को शुक्ल पक्ष में शुभ मुहूर्त है, शादी के लिए बेस्ट है। हाँ, और उसी रात को 2:30 से 3 बजे सुहाग रात के लिए बहुत ही शुभ घड़ी है, मस्त मजे कर। अरे उसके बाद मुहूर्त अच्छा नहीं है ना, देख समझने की कोशिश कर। तेरी शादी में जो जूते पहनने हैं वो थोड़े फट गए हैं, सिलवा के अभी आता हूँ। ऐश्वर्या को पाने के चक्कर में कौशल्या नाम का ये कांटों का सहरा मेरे सर पे डाल दिया। उससे शादी कर ली तो एलईडी टीवी जैसी जिंदगी छोटे मोबाइल जैसी हो जाएगी। यार तू दोस्त है कि दुश्मन है? अरे भाई बड़ा है तो बेहतर है, थोड़ी मोटी है लेकिन क्यूट है ना। बाइक पे बिठाएगा तभी भी बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर पे ऐसे उछलती रहेगी, अनबैलेंस नहीं होगा लाइफ के बैलेंस का। अरे भाई अगर तुझे भूख लगी है तेरी पसंद का खाना नहीं मिलेगा तो जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा ना। ऐश्वर्या नहीं मिलेगी तो कौशल्या, कौशल्या से शादी कर ले मेरे भाई, अचार की फैक्ट्री का मालिक बन जाएगा। दिन भर उंगली से अचार चाटते रहना, खट्टा मीठा मजा आएगा ना। क्या है? तेरी पूरी जिंदगी दाल चावल के साथ अचार फ्री। तुझे अचार की कुछ ज्यादा ही पड़ी है ना। हाँ। तो जा कौशल्या से दूसरी शादी कर ले। ऐसी बातें नहीं करते झिंगुर, वो तेरी धर्म पत्नी है। कम से कम तू तो ऐसा मत बोल यार। देख मैं कह देता हूँ, सुन ले, मुझे ना ऐश्वर्या चाहिए ना कौशल्या चाहिए। मैं बैचलर रहूंगा और अपने दोस्त के सहारे पूरी जिंदगी गुजारूंगा। अब मुझे भी दे। नहीं दूंगा, अरे नहीं दूंगा, जाने आजा। इस गाल पे मेरी बीवी हजारों का पेंट लगाने वाली थी, वहां इसने 250 का चूना लगाया। कैसे भी इसका सेटिंग करवाना ही पड़ेगा। ओ झिंगुर, तेरी गर्लफ्रेंड अकेली आ रही है क्या? हाँ हो सकता, पता नहीं। उसको मेरी गर्लफ्रेंड मत बोल यार, हार्ट अटैक आ जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, शांत हो जा, शांत हो जा। अब यहाँ से अंदर जाते ही तुझे घटिया वाली एक्टिंग शुरू करनी है। 2 महीने का बच्चा जैसे डायपर में सूसू करने पर रोता है वैसे ही तू रोना, तब तेरा काम हो जाएगा और तुझे माफी मिल जाएगी। अच्छा अगर मैं रो नहीं पाया तो? सुहाग रात के बारे में सोच और सोच कि वो तेरे करीब आ रही है। अब तो रोना आ रहा है ना, चल अब यूटर्न मार, जा 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 जा। ए मम्मी, ए अंदर जाने से पहले बाहर आ गया, सुसु लगी है क्या? वो लड़की क्या हुआ, उसने मेकअप नहीं किया क्या? वो मोटी है। तू भी यार समझता नहीं, बात को आ जाता है, रात को तेरे अंधेरे को मैं उजाले में बदलता हूँ, चल आ मेरे साथ। हाय शाबाश। हेलो बेटा, जल्दी 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 पेट्रोल है कि नहीं इसमें? अरे पेट्रोल भी नहीं होगा तो पानी से उड़ेगी, आ जाएगी गाड़ी। जल्दी जल्दी निकल निकल निकल। क्या बात है बेटा, कौशल्या को मिलने के लिए यहाँ अकेले बुलाया था ना, और अब उसकी फैमिली को साथ देखकर डरकर भाग रहे हो? नहीं वो बात नहीं अंकल, एक जरूरी काम याद आ गया था तो। तुम्हें तो अब हमारे साथ चलना ही होगा। ये पुलिस वाला है क्या? इनके टेबल पर बचा कुचा खाना पड़ा है या डस्टबिन इधर खाली किया है, समझ में नहीं आ रहा। मैं हूँ पद्मनानंद, पॉइंट टू पॉइंट लोग मुझे पद्मन कहते हैं। पॉइंट टू पॉइंट मतलब आप पेंसिल की पॉइंट बनाते नहीं, हैं? नहीं मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ ना, इसीलिए वो लोग मुझे प्यार से पीपी बुलाते हैं। मेरे हिसाब से पीपी का फुल फॉर्म पापी होता है ना। ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है, तेरी तो लॉटरी लग गई। और ये मेरी पत्नी है अंबुजा पद्मन, अंबुजा अचार की मालकिन। अंबुजा अचार मैंने कभी सुना नहीं। क्या आपके वहाँ ठर्रा भी बनता है? नहीं नहीं हमारी कंपनी सिर्फ अचार बनाती है। ये मेरा बेटा है अश्विन पद्मन। गंदे हाथ दूर रखो पापा। सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट है, 6 महीने में अमेरिका शिफ्ट हो जाएगा। हेलो जीजू। हाय बेटा, ये जो तू लाइफ जी रहा है ना उसे नाइफ से काट के ही रहेंगे। और ये कौशल्या पद्मन। हेलो। जल्द ही बन जाएगी कौशल्या श्रवण। माफ करना बेटा, मुझे मजाक करने की आदत है। हमें दिल का दौरा पड़ने की आदत है। बहुत बेकार जोक था, अच्छे वाले जोक आप समझ नहीं पाएंगे। अब हम लोग पॉइंट पर आते हैं। सुनो तुम एक काम करो, तुम अपने मम्मी पापा को नाश्ते पर लाओ, उससे क्या होगा वो हमसे और दुल्हन से मिल लेंगे ना। उसके बाद हम लोग सगाई की डेट फिक्स कर देंगे और फिर उन्हें तुम लंच पे लेके आना, तब हम लोग शादी की डेट फिक्स कर देंगे और उसके बाद हम सब कहीं बाहर डिनर के लिए जाएंगे और वहीं पर तुम लोगों की सुहागरात की प्लानिंग हो जाएगी। अब हमें चलना चाहिए। सुनो बेटा, तुम एक छोटा सा काम करोगे? क्या हुआ, जो खाया वो गले में अटक गया है, उसे डंडे से नीचे उतारना है? अरे वो मैं खुद ही कर लूंगा। तुम्हारे लिए एक दूसरा काम है, ये लो बिल प्लीज पे कर देना। ऐसे क्या देख रहे हो बेटा, बेटी के साथ इसका भी ख्याल रखना होगा। बाय डार्लिंग। जमाई राजा ये तो शुरुआत है। ये कैसा बिल है, द्रौपदी की साड़ी की तरह खत्म ही नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे? हाय डार्लिंग, इस महीने की 20 तारीख को शादी का शुभ मुहूर्त है, शादी रात को 9 बजे होगी और फिर रात को 2 से 3 बजे सुहागरात का मुहूर्त है। मुझे सब मंजूर है, तुम्हें मंजूर है ना? ए,
ये क्या है, बार बार पप्पम पप्पी करती है, पप्पी के नीचे ये दब जाएगा तो। अरे भाई ये सब भूल गए हो क्या, व्हाट्सएप इमेज, सुसाइड ड्रामा, सुप्रीम कोर्ट। ले भाई, उससे बचने के लिए ऑक्सीजन मास्क लगा लूंगा, ग्लूकोज चढ़ा लूंगा, इंजेक्शन लगवा लूंगा, लेकिन ये प्लान काम तो करेगा ना। वो चार लोगों की अचार बनाने वाली फैमिली तुझे ढूंढ ही रही होगी, ढूंढ के तेरा अचार बनाने के लिए। लेकिन ये जगह तो जेल से भी सेफ है, मैं तो कहूँगा सेफ जोन। लेकिन मुझे ढूंढने के लिए वो मेरे घर भी तो जा सकते हैं। मैंने फोन करके उनको बोल दिया, मीटिंग के बाद तुम बेहोश हो गए और सीधा तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया हूँ, और यहाँ तुम्हें 6 महीने रहना पड़ेगा। प्लान सुपर हिट होगा ना? अरे सुपर डुपर हिट, वो पुराने ख्यालात के लोग हैं, अंधविश्वास पे विश्वास जरूर करते होंगे। जैसे ही हॉस्पिटल वाली बात सुनेंगे तुरंत शादी का प्लान ड्रॉप कर देंगे। शबनू कैसे हो तुम? ऐश्वर्या आओ बैठो ना। अरे क्या आओ आओ करके बुला रहा है, जैसे शाहरुख कबूतरों को दाना दे रहा था। ये शादी करने आई क्या? ए डिस्टर्ब मत करो, जाओ जाओ। आइए आइए सब आइए, देखिए आपके दामाद जी यहीं पर हैं। अरे नहीं नहीं, सुहागरात वाला बेड नहीं है ये, मिस्टर पापी एंड फैमिली। आप बोर होते तो गोटियां खेलते और वहाँ से खाना खाने चले जाते हैं और बिल हमसे भरवाते हैं। लेकिन आप समझ जाइए, यहाँ से चले जाइए, क्योंकि पेशेंट को बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसे कैसे चले जाएं? हम अपने दामाद से मिलने के लिए बहुत दूर से आए हैं। मिलने का शौक है तो बगल में मेंटल वार्ड भी है, वहाँ जाके भर्ती हो जाओ। सुनो ज्यादा बकवास मत करो, हम यहाँ डिस्टर्ब करने नहीं आए हैं। हम विजिटिंग आज में कौशल्या और श्रवण की शादी की बात करने आए हैं। सही कहा ना अंकल? बिल्कुल सही कहा। ये अस्पताल है, तुम्हारे आचार की दुकान नहीं है। ये पापी जब से ये तुम्हारी बेटी को मिला है ना, सर से पांव तक इसकी जिंदगी में रायता फैल गया है, वो भी फफूंदी वाला। अब शगुन हो गया। बीबी अंकल जल्दबाजी मत कीजिए, इसकी बातों में आकर उल्टा सीधा मत सोचिए आप। शादी कैंसिल करने की जरूरत नहीं, इसे कुछ नहीं हुआ है, देखिए ये बिल्कुल ठीक है, हट्टा कट्टा है। मुझे पता है बेटा, इस पर तो प्यार का बुखार चढ़ा है। जब तक इनकी शादी नहीं होती और इन्हें हनीमून पर नहीं भेजते, ये तब तक बीमारी रहेगा। कौशु तुमने अपना प्यार पाने के लिए मेरा कितना गलत इस्तेमाल किया ना। भूल जाओ ना ऐशु, तुम भी तो खूबसूरत दिखती हो, तुम्हें भी शबनू जैसा दूल्हा ही मिलेगा। हेलो चुप करो, किसी ने किसी का इस्तेमाल नहीं किया, कुछ भी खुचोड़ खुचोड़ कर रहे हो एक दूसरे के सामने। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, जो सुनकर तुम सबको शॉक लगेगा। वासु मत बोल, हिम्मत रख, मेरे दोस्त वासु को शुगर की बीमारी। हाँ। हाँ। वेलकम टू शुगर फैमिली, इस फैमिली में सभी को शुगर की बीमारी है। हमारे हिसाब से तो शुगर बीमारी ही नहीं है, ये तो फैशन है। अरे यार किसी देश पे हमला करने के लिए मिसाइल ले, इनकी फैमिली को छोड़ देना चाहिए। सुनो जल्दी से इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओ, फिर हम तुम्हें इस बैचलर लाइफ से डिस्चार्ज कर देंगे। काशु बेटा अब तो तेरे मोबाइल का लैपटॉप बन के रहेगा। चलो चलो, ये लोग जिसकी जिंदगी में जाएंगे उसकी जिंदगी में वायरस फैला देंगे। क्यों मिस्टर हीरो, इस ट्विस्ट के बारे में क्या ख्याल है आप बताओ? मेरी ये चाल तो बिल्कुल धमाल थी ना, तुम्हारे मोहरे को तुम्हारे ही खिलाफ मैंने इस्तेमाल कर लिया। बाय। अरे मिस्टर चिकू खान, जरा इस फॉलोमेट का अच्छा ख्याल रखिएगा। बाय। मन तो करता पीने का, मन कर रहा है ना, चल पिलाता हूँ। अरे जंगली जानवर भी शिकार मिल बांट के खाते हैं, और तू तो एक बूंद भी मेरी जबान पे आने नहीं दे रहा। एक बात याद रखना, एक बार पिएगा पीते रहेगा, नशे में डूब जाएगा, अकेले डूबने नहीं दूंगा। ला दे। एक तो कौशल्या ने किस करके मेरे चरित्र पर दाग लगा दिया है, ऊपर से तू फालतू की फिलॉसफी सुना रहा। भाई अगर तू गुस्सा ना करे तो एक बात बोलूं क्या? क्या? तुझसे 1 घंटे में प्यार हो गया कौशल्या को, और उसने तेरे गाल पे एक पचक पचक करके चुम्मा दे दिया। ऐश्वर्या से तू 6 महीने से प्यार कर रहा है, मतलब तुझे उसके होठों पे पुचुक पुचुक करने का पूरा हक है। अरे भाई वो मुझसे प्यार नहीं करती है ना। देख कोई लड़की तुझे किसी के साथ देखकर जलती है तो ये प्यार में पड़ने की पहली सीढ़ी है, अगर तूने उसके साथ पप्पम पप्पी कर लिया तो प्यार की दूसरी सीढ़ी है। मैं चाहता हूँ तू स्टेज 2 पे पहुँच जा, या फिर मोटी से शादी करके स्टेज के नीचे दब जा। स्टेज 2 स्टेज 2। बोतल उठा। चीयर्स भैया। यही रुकना, मैं रिचार्ज होके आता हूँ। भाई हाँ बोल। मैं अभी उसके फ्लैट के सामने ही खड़ा हूँ, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि अंदर जाऊँ तो जाऊँ कैसे। अरे तू चोर थोड़ी है जो जाने के रास्ते ढूंढ रहा है, जा गेट से अंदर घुस जा। गेट से कैसे जाऊँ,
वहाँ पर वॉचमैन है ना, उसने पुलिस को बुला लिया तो क्या करूँगा? अरे झिंगुर, रात वाला वॉचमैन सोने की ड्यूटी करता है, जा तू। ठीक है भाई, समझ गया। बजाऊंगा प्यार की घंटी कहाँ है, ये रही। ऐश्वर्या बेबी, ऐश्वर्या बेबी, आयुषु बाबू, ये मेरी जान, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो तुम? आप भाई घर में तो कोई भी नहीं है, अब क्या करूं मैं? पहले बता दिन कौन सा है? आज संडे। संडे मतलब छुट्टी ना, बाहर गए होंगे, तू घर जाके सो जा। नहीं नहीं नहीं, मैंने कसम खाई है आज तो किस लेकर ही रहूंगा, ये डिसाइडेड है। मैं किस लिए बिना जाने वाला नहीं हूँ यहाँ से। ठीक है तो एक काम कर, उसके दरवाजे के पास जो गमला रखा है गमले को किस करके आ जा। उसे भी आज ही बाहर जाना था। ऐश्वर्या की आवाज लगती है, ये भी कोई रोने का टाइम है क्या? जानू जानू जानू, इतनी रात को यहाँ छत पे क्या कर रहे हो? लेकिन लेकिन तुम ऊपर कैसे आए? सिक्योरिटी सिक्योरिटी क्या सिक्योरिटी सिक्योरिटी, मुझ तक तो तुम्हारी आवाज आ नहीं रही, वो नीचे बिरयानी खा के सो चुका है, उस तक कहाँ से जाएगी? इतनी रात को तुम यहाँ पर आए कैसे? मैंने अपने कपड़े पहने, रिक्शा लिया और आ गया। मैं यहाँ तुम्हारे होठों पर किस करने आया था, लेकिन तुम्हारी सड़ी शक्ल देखकर किस करने का मन ही नहीं कर रहा, देख के भी गुस्सा आ रहा है मुझे, इसलिए किस का प्लान कैंसिल। तुमने मेरे प्यार की फसल पे रोड रोलर चला दिया, पहले मेरी जिंदगी एक बहता झरना थी, तुमने उसे गटर बना दिया, देखना इस सच्चे आशिक श्रवण का श्राप जरूर लगेगा। स्वाहा। क्या हुआ? ऐसे रो क्यों रही हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मेरे बियर, सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। तुमने मेरी बियर बर्बाद कर दी तो मुझे रोना चाहिए, उल्टा तुम रो रही हो। मुझसे गलती हो गई श्रवण, बहुत बड़ी। क्यों? तुम माँ बनने वाली हो? पागल हो क्या? श्रवण, उस दिन जब कौशल्या की फैमिली के सामने मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था ना, और तुम्हें उल्टा सीधा कह के तुम पे बहुत हंसी थी ना, पता है फिर उसके बाद क्या हुआ? नहीं, मैंने शादी और सगाई दोनों की तारीख तय कर ली है, पॉइंट टू पॉइंट ये शुभ कार्य शुरू होगा 4 जुलाई से, और मेरी ये इच्छा है कि दोनों बच्चों की शादी एक ही दिन हो, इसीलिए आपकी बेटी का हाथ में मांगने आया हूँ। सारी फॉर्मेलिटीज हमने पूरी कर दी है, हमें ये रिश्ता पसंद है। मुझे ये फैमिली इतनी अच्छी लगी कि मैंने शादी के लिए हाँ कर दी, ये देखो। पीपी अंकल कह के हमेशा बुलाती थी ना, अब तुम डैड कह के बुलाओगी, क्योंकि अब तुम हमारे घर आने वाली हो मेरी बहू बनकर। मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हें सलमान जैसा दूल्हा मिलेगा, ये देखो मेरा भाई आ गया। ऐश, तुम मुझे अपनी पासपोर्ट की डिटेल्स दे देना, कंपनी में मैं वीजा के लिए अप्लाई कर दूंगा, और फिर हम हनीमून के लिए नायग्रा फॉल्स जाएंगे और सेल्फीज फेसबुक पर डालेंगे तो लाइक्स ही लाइक्स मिलेंगे हमें, सच्ची। एक्चुअली आई ए शर्मा क्यों रहा है, बोल ना। बोलो ना बेटा। तू नहीं बोलेगा तो मैं जाता हूं। कंट्रोल। ऐश, आई लव यू, आई लव यू सो मच। वो कहते हैं ना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो उसमें खुद ही गिरोगे। देखो श्रवण, मेरे पापा ने उस शादी के लिए हाँ कर दी है, और तुम यहाँ खड़े होकर मेरा मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ये गलत अच्छा, बात है। अच्छा बाबा माफ कर दो, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा, अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो पापा को बता दो, वो शादी कैंसिल कर देंगे। मेरे पापा क्या कैंसिल करेंगे, मैं खुद ही कैंसिल कर दूंगी, मेरी प्रॉब्लम वो नहीं है। लेकिन अश्विन जैसे झंडू ने आखिर मेरे पापा से मेरा हाथ कैसे मांग लिया, क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ? नहीं नहीं नहीं, इतनी भी ज्यादा नहीं। लेकिन जब मैं उस मोटे के बारे में सोचती हूँ तो खून खौल उठता है, अगर उसकी फैमिली मेरे सामने आ गई तो मैं। देखो ऐश्वर्या, मुझे नहीं पता तुम मुझसे प्यार करती हो भी या नहीं, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तुम बस एक बार इशारा तो दो, उस अचारी परिवार का तो मैं ऐसा अचारी पुलाव बनाऊंगा ना। अरे और रिक्शा रुको भाई, सब सेट है ना? शवनू,
तुम आए हो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने, मैं आई हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने, ये किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? ऐसा मत बोलो ऐश्वर्या, इसका दिमाग बहुत तेज चलता है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देता है ये। शक्ल अच्छी नहीं है पर अकल बहुत सॉलिड है। तेरे जिंदगी के तेरा बजाने में इसी का हाथ है, चल आज। अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, तू इसकी जिंदगी में ढेर सारे छेद करेगी। क्या कहा तूने? यही बोला कि तुम दोनों की शादी होगी तो जोड़ी कितनी प्यारी लगेगी ना। नहीं हम तो मजाक कर रहे हैं। अच्छा तू मजाक कर रहा है? नहीं नहीं मुझे क्या, मेरे पागल दोस्त ने काटा है जो मैं मजाक करूंगा। ठीक है ठीक है, सब समझ गई, अब चलें यहाँ से। हाँ ऐसे ही झुक के जाते हैं। कौन है? दरवाजा खोल के देख लो। छी 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 छी, इतनी रात को किसी के घर जाकर कोई डिस्टर्ब करता है क्या? आचार बनाने में तुम्हारा जो तेल है वो कम पड़ रहा है, इसीलिए लोगों का तेल निकाल रहे हो ना। तू दुबई का शेख है जो तेल बेचने आया है? तेल नहीं, जो शादी की भेल बनाई है ना उसमें मसाला डाल रहे हैं। अटे पहले आप। जैसी आ गया सर। तुम लोग अंदर कहाँ जा रहे हो? किधर है? रुको। देखो तुम मेरे पापा को जानते नहीं हो, अखाड़े के बड़े बड़े पहलवान भी थर थर कांपते हैं उनसे। क्यों डरते थे? पहलवानों की लंगोट लेके भाग जाते थे क्या? तू भी पहलवान है क्या? नहीं मैं तो बच्चा हूँ। क्या कहा तू बच्चा है? आलू खा खा के सफेद भालू बन गया है, किसी गोरिल्ले से जाकर शादी कर मेरी वाट लगा दे। ऐसे गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। हमारे पास पूरी रात पड़ी हुई है, एक एक करके सबकी क्लास लेंगे। भाई शुरू हो जा। अड़कम दड़कम दोम दड़ाका लितर फितर समीर ढाड़ू वासु ससुर सास कौशल्या ऐश्वर्या और अश्विन। अड़कम दड़कम दोम दड़ाका लितर फितर वासु ससुर जी सासू जी और श्रवण की कौशल्या। ले जा ले जा। अड़कम दड़कम दोम दड़ाका। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। वाह 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 वाह, अचार खा खा के तेरी हिम्मत भी बढ़ गई। भाग्यवान तुम्हें क्या लगता है ये हमें प्रसाद देने वाले हैं? जाओ यहाँ से। आंटी जब तक हम वापस लौटते हैं 100 तक गिनती करो। क्या कहा? 100 बार गिनती करूं? अरे अरे श्रवण, आंटी के कान के पर्दे फट गए, लगता है कान में सुई डाल के पर्दे सीने पड़ेंगे। आजा आजा मुंह खोल जल्दी से बोल। कहीं तुम मुझसे ये तो नहीं पूछना चाहते कि किस बेवकूफ ने मेरा नाम पॉइंट टू पॉइंट रखा? यही जानना चाहते हो ना? तुझे तुम। अरे नाम में क्या रखा है भाई साहब, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए और मेरा दिल बहुत बड़ा है, कहो तो चीर कर दिखा दूं। दिखाऊं? दिल की बात छोड़ो, दिमाग तेज होना चाहिए और मेरा दिमाग बहुत तेज है। मच्छर को देख कर मैं बता सकता हूँ कि वो नर है या मादा, तुम बता सकते हो? एक बात बोलूं क्या? इससे पता चलता है तू घटिया इंसान है। अगर तेरे परिवार की घटिया हरकतों पर मैंने किताब लिख दी ना तो वो पढ़ने के बाद लोग तुरंत मर जाएंगे। इतनी बेइज्जती भाई। हाँ देख तुझे तो छोटा हाथी भी नहीं कह सकते, जब तू नाचती है तो भूकंप आता है, तू सूखे खजूर से शादी क्यों करना चाहती है? भाई कुछ मजा नहीं आया। नहीं आ रहा है, आ रहा है। जैसे एक टेबल पर सड़े हुए अंडे का गोल ऑमलेट बनाया हो, उसे देख के साइंटिस्ट बोलेंगे कहाँ से एलियन की स्पेसशिप आ गई है। भाई, स्पेशल फोर्स। सुमो पहलवान का जो पेट होता ना, उस पेट से बड़े तो तेरे गाल है, क्या गाल से ऐसी लड़की पटा सकता है? स्पेशल फोर्स। फोर्स कम पड़ रहा है। पता नहीं मजा ही नहीं आ रहा, क्या हो गया इसको? मूली के पराठे खाके पेट में इतना गैस भर दिया है, गलती से फट गया ना तो बेसमेंट में ले जाके लोग तुझे इतना मारेंगे। थोड़ा अरे क्या, कब से मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। अरे इसके साथ मजा लाने के लिए किसी और को बुला। अभी कुछ बोला बाकी तो नहीं ना? दिखता है ना, मजा नहीं है, मजा नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो, खुद तो कुछ बोलता नहीं है, इसको बोलने देता नहीं है, मेरी जगह किसी और को बुला लो ना। तुझे क्या लगता है हम किसी का कचरा कर सकते? लेने चला सेल्फी जिसे खानी नहीं आती कुल्फी। ये तो बहुत पुराना है, 2002 का है। चल बेटा तू सुना, हमारी काली जुल्फे बिखरा दो तो अंधेरा हो जाए और मुंडवा दो तू। अरे इससे अच्छे शेर तो वो कल्पेश सुनाता है। मैं तेरी तरह स्मार्ट नहीं हूँ, समझा ना? पता चला ना, कॉमेडी करना कोई खाने का काम नहीं है, दिमाग चलाना पड़ता है, स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है, पंच देना पड़ता है, रिएक्शन देना पड़ता है, टाइमिंग और राइमिंग सबका ध्यान रखना पड़ता है। कॉमेडी के बारे में और भी जानना है तो शानूर को और राजू कवा को पूछो। एक्सक्यूज मी, आपको नहीं लगता कि आप फालतू काम को बहुत सीरियसली ले रहे हैं? हम बहुत बेशर्म है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता,
कुछ भी कर लो, ये शादी कैंसिल नहीं हो सकती। इसी बात पे कॉफी पियो। देख लिया, इतनी बेइज्जती किसी और की हुई होती वो चार बार मर चुका होता। लेकिन ये तो इतना पक्का था, इसके हाथ में कच्ची कैरी दे दो, दो सेकंड में आम बन जाएगा। भाई तेरी शादी तोड़ना, वो भी इसकी डायनासोर के साथ, मेरे बस की बात नहीं है। कॉफी कड़क ना, कॉफी रख, कॉफी रख। शबनम जरा हटो। क्यों? मैंने कहा हटो। ओके। पीपी अंकल, आप जानना चाहते हैं ना कि ये शादी मैं क्यों कैंसिल करना चाहती हूँ? अब भी बताती हूँ। I love you, Shravnu. I love you, baby. Love you. अब दोनों शादियां कैंसिल। ये क्या भाई? जब हड़ताल शुरू की थी तब सिर्फ हम ही दोनों थे, अब हमारे साथ इतने सारे लोग हैं और हमने उनके लिए व्यवस्था भी की है। लेकिन ना कोई रेडियो वाले आए, ना कोई न्यूज़पेपर वाले, ना कोई चैनल वाले, अरे लोकल चैनल वाले भी नहीं आए यार। मुझे ऐसा लग रहा है इन्हें ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ टाइम पास करने बैठे हैं और मजे कर रहे हैं। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। भाई कहो तो एक ग्लास जूस पी के हड़ताल तोड़ के घर चले क्या? ए, कब से देख रहा हूँ दूध पीते बच्चे की तरह घर चलो घर चलो घर चलो लगा रखा है। मेरी बात सुन, ये हड़ताल तब खत्म होगी जब हमारी बात लोगों तक पहुंचेगी, तब तक ठंडा ले। वैसे मेरी आत्मा फुदक फुदक कर कह रही है कि जल्द ही कोई चमत्कार होने वाला है। आपकी अकेला आपको अकेला नहीं छोड़ेगी, हमेशा साथ देगी। मैंने कहा था ना मेरा मन फुदक रहा है, देख सब फुदक रहे हैं। वैसे ही औरत है कौन? ये मर्दों के घर में आग बुझाती है यार। अरे ढीले, ये नेशनल मेन सिक्योरिटी काउंसिल की हेड है मैडम अकेला देवी। जब मर्द किसी नारी का शिकार होता है ये अपनी ताकत से बचाती है। अरे, इन्हें देने के लिए गुलाब क्या गोभी का फूल भी नहीं है? अरे ओढ़ने के लिए शॉल या सूंघने के लिए फूल इनको पसंद नहीं है। बिरयानी का कटोरा पड़ा दे दूं? ये बिरयानी की भूखी नहीं है मैडम। हमें तो लड़कियों ने लूट लिया है, आपको देने के लिए कुछ नहीं है। ओ, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। मेरे पास भी कुछ नहीं है। ओ, तुम्हारे लिए भी मैं हूँ ना। मैं पहले ही कह दूँ, मुझे इन फूलों गुलदस्तों में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे देखते ही आप सब खड़े हो गए, यही काफी है। मैडम जी, अब तक इनकी शक्ल ऐसे सड़ी हुई थी जैसे सगा और सौतेला दोनों बाप मर गए थे। शांत हो जाओ, आइए आइए बीच वाली जगह खाली बैठते हैं। इंडिया में बनारसी पान रहेगा तब तक अकेला मैडम आपका नाम रहेगा। अकेला मैडम की जय हो। क्या बात है, वाह वाह, आप इतनी अच्छी हो कि आपकी बाहों में मतलब आपके चरणों में आराम से सो जाऊं। तो राइट में तू रहना, लेफ्ट में मैं रहूंगा। मेरा हाथ पकड़ के हिम्मत दो। मैं भी आपका हाथ पकड़ के। देखो लड़ो मत, मेरा राइट और लेफ्ट, ईस्ट और वेस्ट, सब कुछ तुम्हारा है। सॉरी मैडम, सॉरी। हम भूखे बैठे थे, हमारे पेट में आग लगी थी, फिर भी कोई नहीं आया। आपके आते ही मीडिया तो आ गई, लेकिन किलो के हिसाब से माइक और वैन लेकर आ गए हमें स्टार बनाने के लिए। ये है आपके पावर की शक्ति। तो मैम, हम अबला मर्दों की तकलीफ पूरी दुनिया के सामने रख दीजिए प्लीज। श्योर, बिल्कुल। नमस्कार मैडम। कम से कम मैं इन मर्दों के भूख हड़ताल को समर्थन क्यों दे रही हूँ, यही ना? जी हाँ। इन बेसहारा मर्दों को मैं सहारा नहीं दूंगी तो कौन देगा? सर, भूख हड़ताल ने जोर पकड़ लिया है, पूरी की पूरी मीडिया भी आ गई है, हमें यहाँ पर और फोर्स चाहिए। सर सर, मेरे पास आपके लिए एक और अच्छी खबर है, नेशनल मेन सिक्योरिटी काउंसिल के हेड अकेला मैडम यहाँ पर खुद मीडिया से बातें कर रही है। सर हेलो हेलो सर, इस इंटरव्यू के जरिए इस देश की सारी लड़कियों और नारियों को मैं आगाह कर देना चाहती हूँ, तुम लोग इन मर्दों के सामने झुकने के लिए तैयार हो जाओ, वरना अगर इन मर्दों का मामला मैंने अपने हाथों में ले लिया
तो तुम सबका पत्ता कट। मैडम एक फोटो प्लीज। उस भूख हड़ताल को अकेला मैडम का तो साथ मिल ही गया था, लेकिन मुद्दा ये है कि वासु और श्रवण ने ये भूख हड़ताल शुरू ही क्यों किया। चलो पता करते हैं। श्रवणु मुझे ना तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बाबू बोलो ना। ये जो तुम्हारा दोस्त वासु है ना। अरे वाह, इसकी उम्र बहुत लंबी है। हाँ भाई बोल। भाभी के साथ डेट पर गया है ना। सही समझा। मैं उसका इंटरव्यू लेने की तैयारी कर रहा हूँ, समझा। मैं रास्ते में हूँ, तब तक तू उससे बात कर ले। अच्छा तुम क्या कह रही थी। तुम्हारा दोस्त वासु ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों पता नहीं, अभी तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद जरा तुम उससे दूर रहना, बस इतना ही कहना था। अरे ऐश्वर्या, पहली बार में तो मुझे भी वो अच्छा नहीं लगा था, लेकिन एक बार जाना तो पसंद आने लगा। एक बार तुम उसे जान लोगी ना तो तुम्हें भी वो बहुत अच्छा लगेगा। मैं बहुत सीरियस हूँ, लेकिन शायद तुम्हें ये मजाक लग रहा है। खैर छोड़ो, मैं चलती हूँ। ऐश्वर्या, वासु तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता है, दो मिनट के लिए रुक जाओ प्लीज। प्लीज क्या बंटिया, मैंने जो बोला था बिल्कुल वैसा ही हुआ ना। बैंगन का भरता सैंडविच में डालेगा तो मजा आएगा। ये स्पेशल डिश है, सबको खिलाते रहे, रातों रात फाइव स्टार का मालिक बन जाएगा। हाँ बंटिया चल, किसी का इंटरव्यू लेने आया हूँ, सॉरी बहुत इंतजार करवाया। और क्या, पिछले 10 मिनट से वेट कर रहे हैं। 10 मिनट क्या, 10 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि तेरा भाई बहुत बड़ा है, इसीलिए अपने पैरों पर खड़ा है। भाई तू कुछ खाएगा क्या। अरे भाई मुझे रिश्वत दे रहा है क्या, इंटरव्यू लेने के बाद ही खाऊंगा। तो क्या आप तैयार हैं। इंटरव्यू? श्रवण ये क्या बक रहा है। अरे कुछ भी नहीं, बस ये 2-4 सवाल पूछेगा, पता नहीं उसको इंटरव्यू क्यों कह रहा है। तुम्हें बताया था ना बहुत मजाक किया ये। तो शुरू करें। जल्दी जो पूछना चाहते हो जल्दी पूछो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। सवाल नंबर 1। भाई प्लीज आसान वाला पूछना। जैसा कि तुमने कहा श्रवण तुम्हें पहले पसंद नहीं था, लेकिन उस रात दारू पीने के बाद तुम्हें ये अच्छा लगने लगा, तो मैं ये मान लूं कि वो प्यार नहीं था, बस दारू का नशा था जिसमें प्यार हो गया और तुम इसका फायदा उठाना चाहती हो। क्या फायदा? फायदा उठाने से तुम्हारा क्या मतलब? हाँ फायदे का मतलब होता है। एक सेकेंड, जब पसंद नहीं था तो मैंने कहा पसंद नहीं है, लेकिन अब पसंद है तो मैंने कहा पसंद है, दैट्स इट। एंड वन मोर थिंग, चाहे मैं बियर पीऊं या वोडका पीऊं या कुछ और पीऊं, उससे तुम्हारा क्या मतलब, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम इसमें दखल देने वाले कौन होते हो। तुम दारू पियो, पानी पियो या गौमूत्र पियो, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं है। सवाल नंबर 2, क्या तुम्हें मेरा दोस्त शादी के बाद अच्छा नहीं लगा तो उसे डिवोर्स दे दोगी क्या। वो डिपेंड करता है कि उसके दोस्त कौन है। पता था, आजकल तो लड़कियां अपने पार्टनर ऐसे बदलती हैं जैसे कपड़े बदलती हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 3, अगर तुम्हारी श्रवण की फैमिली से पटी नहीं तो दूसरे घर में रहोगी। ये तो इसकी फैमिली पर डिपेंड करता है। लड़कों को शादी के झांसे में फंसाओ, फिर शादी के बाद माँ बाप से दूर कर दो, लड़कियों को यही तो आता है। नेक्स्ट, शादी कितने तरीके से होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, कार्ड्स कैसे छपेंगे, साड़ियाँ कौन सी होंगी, खाना क्या बनेगा, पंडित कौन आएगा, हनीमून पे कहाँ जाएंगे, इन सारी बातों का फैसला मुझसे पूछने के बाद ही किया जाएगा। ये भी हो सकता है कि हनीमून पर मैं भी आऊँ, अपनी बीवी के साथ नहीं, अकेला। मैं श्रवण की फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, तुम भी ये मानोगी ना। बकवास बंद करो, मैं ये सब नहीं मानने वाली। मैं तुम्हें अपनी शादी या हनीमून या किसी भी और चीज के बारे में क्यों बताऊं? ये सब मेरे और श्रवण के बीच का पर्सनल मैटर है, समझ गए तुम? अगर मुझसे एक और सवाल पूछा तो मैं तुम्हारी जान। बस बहुत हुआ, हो गया इंटरव्यू, 100 में से 5 नंबर मिले, यू आर फेल। 5 नंबर भी इसकी वजह से दिए हैं, अगर ये नहीं होता ना तो बड़ा सा अंडा देता। This is too much. फेल हो गई ना तो यहाँ क्या बैठे हो, घर जाओ ना, जाकर अपना मेकअप निकालो। गो 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 गो। ऐश्वर्या हे, क्या समझते हो तुम अपने आप को? श्रवण इससे कहो कि ये यहाँ से सटक ले, वरना मैं भूल जाऊंगी कि ये पब्लिक प्लेस है और मार मार के मुंह लाल कर दूंगी। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? अभी इसे जाने के लिए बोलोगे या नहीं? भाई एक काम करते, घर चल के कॉफी पीते हैं। कॉफी तो यहाँ भी मिल सकती है, क्या हम घोड़ों के तबेले में बैठे? घोड़े तो नहीं है। ऐश्वर्या क्या 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 है? समझ गया भाई। क्या हुआ है, तू तो ऐसे डर रहा है जैसे टीसी बस में चढ़ गया और तूने टिकट नहीं लिए। देख मेरे दोस्त, मैं जो कर रहा हूँ तेरी भलाई के लिए कर रहा हूँ, मान ले कल छोड़ के चली गई या डिवोर्स ले लिया तो फिर तो रोते हुए मेरे पास ही आएगा ना, और हाँ मैडम दूसरी लड़की आप ढूंढ के लाएंगी। ए वासु चल निकल यहाँ से। तूने क्या बोला, निकल यहाँ से? बचपन से लेकर आज तक जब भी मदद चाहिए होती थी बचाओ बचाओ कह के मुझे पास बुलाता था, और आज प्यार की वजह से दोस्त दोस्त ना रहा। ठीक है बोल, तू क्या कह रहा था। हमारे बचपन की दोस्ती आज खत्म, निकल यहाँ से।
तो दोस्ती की नाव डूब गई। सुना नहीं तूने बचपन की दोस्ती आज से खत्म। अब तो खुद यहाँ से जाएगा या सिक्योरिटी वाले को बुला के धक्के मरवाऊं। मैंने सुना था प्यार अंधा होता है, पर तूने साबित कर दिया दोस्ती अंधे का पप्पा होती है। छोड़िए मुझे। सीमा में घुसपैठ क्यों कर रहे हो? अरे ये देश मेरा है, मैं यहाँ का नागरिक हूँ। आज तो बेडरूम में नाइट लैंप जलेगा, आज रात को होगी सुहाग रात। क्या बकवास कर रहे हैं? श्रवण के साथ वाली दोस्ती खत्म, उसकी दोस्ती की पतंग काट डाली। क्या कहा? उससे फ्रेंडशिप खत्म कर ली है? मैं मान ही नहीं सकती। है। श्रवण ने खुद हमारी फ्रेंडशिप पे तलवार की कैंची मार दी। मैं विश्वास कैसे करूं? अभी विश्वास दिलाता हूं। तो दोस्ती की नाव डूब गई। सुना नहीं तूने बचपन की दोस्ती आज से खत्म। अब तो खुद यहाँ से जाएगा या सिक्योरिटी वाले को बुला के धक्के मरवाऊं। तो इसीलिए जाने जिगर जाने मन, श्रवण आज के बाद हमारे बीच में चाइना वॉल कभी नहीं बनेगा। एक बार पतंग कट जाए ना, फिर हाथ में नहीं आती। चलो इसी के साथ प्यार दो प्यार लो। जानू कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम बोलो क्या करूं, मैं तो हो जाता हूं शुरू। क्या कर रहे हैं? छोड़िए ना मुझे। भले चाहे कुछ भी हो जाए, सूरज पश्चिम से उग जाए, मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता। अच्छा ऐसा क्या? तो बड़ी रोमांटिक बातें कर रहे हो। जब बीवी हो रोमांटिक तो दिल में टिक टॉक टिक तो हो गई। तो देर किस बात की? बताओ मैं कितनी रोमांटिक हूँ? पकड़ा। एक मिनट। अब क्या है? आप मेरे लिए एक काम करेंगे? अरे कुछ भी करूंगा, सीमा के लिए हर सीमा तोड़ दूंगा। वासा मोबाइल्स का नाम बदल कर सीमा मोबाइल्स कर देंगे? अपनी जान के लिए कुछ भी करेंगे, है ना? आ जा। ये सब क्या है? अपनी दोस्ती टूट गई तो मुझे लगा तू दुखी होगा, पर तू तो दरवाजा खुला रख के खुल्लम खुल्ला बीवी को किस कर रहा है यार? ए, पहले तो तूने अपनी गर्लफ्रेंड के सामने मेरी इंसल्ट कर दी, अब मुंह उठाकर आ गया। चल निकल यहाँ से। बोल ले तू, जितना बोलना है बोल ले, तेरा हक बनता है। जिगरी दोस्त है तू मेरा। पब्लिक प्लेस पे बाय मिस्टेक वो तेरे फेस पे थप्पड़ ना मार दे, इसी वजह से दोस्ती खत्म करने का मैंने नाटक किया। पर असलियत ये है भाई कि हम दोनों की दोस्ती के बीच कोई लड़की नहीं आ सकती है। आपने मुझसे झूठ बोला। भाभी झूठ बोला, बताइए मुझे क्यों झूठ बोला? मुझे भाभी रुको, आपने अरे इसे क्यों मार रही हो? तुम्हें क्या लगता है इसका कोई नहीं है? मैं अभी जिंदा हूँ। तुम ही हो हमारी परेशानियों की जड़। बस बहुत हो गया, कब छोड़ोगे हमारा पीछा? लेकिन मैंने क्या किया? बहुत कुछ किया। पहली ही रात को इनकी कमर तोड़ दी और इनको लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ा। तभी मैं समझ गई थी अगर हम दोनों को खुश रहना है तो तुम्हें हमारी जिंदगी से जाना होगा। अब 6 महीने हो चुके हैं, तुम दोनों की दोस्ती खत्म हो गई सोचकर मैं कितनी खुश थी, और मुझे लगा कि मेरा पति मुझे वापस मिल गया है। लेकिन तुम्हारे रहते ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा मन तो कर रहा है कि तुम्हें एक थप्पड़ लगा दूं, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कर सकती, इसीलिए इन्हें मार रही हूँ। क्या आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है? मुझे तो लग रहा है कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। सीमा मुझे अब आपके साथ रहना ही नहीं है। नहीं नहीं ऐसा मत कहो। छोड़िए मुझे, बहुत हुआ पति देव, मैं अब और नहीं झेल सकती। जाकर अपने दोस्त से ही शादी कर लीजिए ना, आपका और मेरा रिश्ता खत्म। मैं जा रही हूँ। जानू सुनो तो सही, जाने जिगर जाने मन, मेरी बात सुनो। मुझे जानू कहने का हक आप खो चुके हैं, समझे? मेरी बात क्या यार वासु, तुम दोनों के बीच इतने लफड़े चल रहे हैं और तूने मुझे आज तक बताया भी नहीं। क्या बताता तुझे, क्या बताता कि हमारी दोस्ती की वजह से मेरी वाइफ मुझसे खफा है? क्या फर्क पड़ता, तुझे कुछ समझ में नहीं आता है? हाँ नहीं समझ आता, बिल्कुल नहीं आता। जब छोटा था तो पापा मुझे छोड़ के चले गए और माँ मुझे यहाँ छोड़ के चली गई। तेरे साथ ही तो बड़ा हुआ, कुछ नहीं समझ में आता है मुझे। ये तेरी बीवी की प्रॉब्लम तूने पहले बता दी होती ना तो कब का तेरी जिंदगी से दूर चला गया होता मैं। उस बारे में कैसे बताता? हाँ हेलो सुनो मेरी बात। गलती से भी
पीछा करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। हेलो, ये किले शिकवे छोड़, भाभी के पास जाते हैं और उन्हें किसी भी हाल में वापस लाते हैं। लेकिन क्यों? तू चाहता है कि मैं अपनी चढ़ती हुई जवानी में विदुर हो जाऊं? बकवास कर रहा है भाई, समझने की कोशिश कर। वैसे भी काफी परेशानियां हैं, मुझे और परेशान मत कर, हमें हमारी दोस्ती तोड़नी पड़ेगी, जा। लेकिन भाई सुन तो, दोस्ती टूट गई, भरोसा टूट गया, असली दोस्ती तू है तेरे। आजा। क्या पीने को है? खलास हो गई, जा घर जा, घर जा, घर जा, घर जा। मुझे दारू नहीं पीनी, वो बेचारा श्रम। संदेश लेकर आया है क्या? मैंने प्यार किया का कबूतर बन के मेरे घर पे आया ना। श्रवण की क्या गलती है? उसके कोई गलती नहीं है, कीड़ा एक नंबर का मेरे शरीर की नब्ज काट के खून पी रहा है। सच्चाई जाने बिना कुछ भी मत बोल। अच्छा नहीं पता, अगर पता चल जाएगा तो मेरा डिसीजन बदल जाएगा। तू भी कान खोल के सुन, मैंने लक्ष्मण रेखा खींच ली है, उसके कभी शादी नहीं होगी, अगर शादी भी हो गई ना तो बच्चे नहीं होंगे, और ये महात्मा वासु का काला श्राप है। आज के जमाने में सिर्फ श्राप नहीं चलेगा, ये ले GST वाला श्राप। अरे काली जबान है तेरी। तूने कॉफी शॉप में इंटरव्यू लिया था, उसके बाद पता है क्या हुआ? ऐश्वर्या, हम दोनों बचपन के लंगोटिया यार हैं। वो मुझे खुद से भी ज्यादा प्यार करता है, इसलिए उसने जो किया मेरे लिए किया। अगर तुम्हें उसकी बातें अच्छी नहीं लग रही थी तो बोल देती कि वासु भैया आप जो भी बातें कर रहे हैं ना वो मुझे अच्छी नहीं लग रही है। अरे वो तुम्हारा देवर है देवर, कल को जब हमारा 7 किलो का बच्चा होगा तब उसी की गोद में तो सुसु करेगा। क्या बकवास कर रहे हो, कौन किसका देवर बनेगा, होता कौन है वो? देखो ये सब बहुत हो गया, मुझे वासु से नफरत है, या तो तुम उससे अपनी दोस्ती तोड़ो या मुझे छोड़ो। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारे पापा से बहुत नफरत करता हूँ, तो तुम ऐसा करो, तुम अपने पापा से रिश्ता तोड़ लो, मैं वासु से तोड़ लेता हूँ, फिर हम दोनों खुश रहेंगे। तुम चाहते हो कि मैं अपने पापा से रिश्ता तोड़ूं? मेरे पापा ने इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इस लायक बनाया, और तुम चाहते हो कि मैं उनसे रिश्ता तोड़ लूं? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? अब समझ में आया कैसा फील होता है? जिस तरह तुमको तुम्हारे पापा से प्यार है ना, वैसे ही मुझे मेरे दोस्त से है। एक बात याद रखना, वो मेरा दोस्त है और जिंदगी भर रहेगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, वरना तुम जा सकती हो, तुम्हारी मर्जी। आज तक मैंने जिंदगी अपनी शर्तों पे जी है। हाँ तो जाओ। उसने मेरे लिए अपना, उसने ऐसा क्यों किया? प्यार को कुर्बान की? किधर है? बार में। झिंगुर एक बात बताऊं, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब कोई लड़की लड़के की लाइफ में आती है तब ऐसा ही हाल होता है। भाई आज तक किसी लड़के ने सहेलियों के बीच फूट डालने की कोशिश की होगी, पर इन लड़कियों को देखो, तुम इससे दोस्ती तोड़ दो, उससे दोस्ती तोड़ दो, इस लड़के से बात मत करो, उस लड़के से बात मत करो, उसका चेहरा मुझे पसंद नहीं, उसकी बातें मुझे पसंद नहीं, उनको खुद को छोड़ के हर चीज से प्रॉब्लम है। छोटे शहर की लड़कियां ऐसी होती है, तू उसे बदल नहीं सकता। तू ऐसे कैसे बोल सकता है यार, ये सिर्फ अपनी प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया के हर एक अबला मर्द की यही कहानी है। हमें इस पे फुल स्टॉप लगाना होगा, हमें कुछ करना चाहिए। ए, बोलना क्या करें? अरे बोलना। फुदक के उछल के एक आइडिया आया है, जब ऐसे किसी पर्सनल प्रॉब्लम को दुनिया भर का प्रॉब्लम बनाएंगे ना, तब होगा महायुद्ध, जागरूकता उठेगी, वो भी मर्दों के लिए। क्या बात कर रहे हैं? बेचारे बॉयफ्रेंड को टांग दी गर्लफ्रेंड ने काउंसिल, तू वहाँ का नेता, मैं नेता पार्टी। ऐसी लड़कियां जो बिना किसी वजह या छोटी सी वजह से लड़कों को छोड़ देती हैं, उनके खिलाफ इन्फिनिटी वाली भूख हड़ताल पे जाएंगे। कहाँ? समंदर किनारे। अब? कल सुबह से। वासु श्रवण। मैन सिक्योरिटी काउंसिल की हेड, हम सभी मर्दों की मर्दानगी, अकीला देवी जी का साथ हमें मिल चुका और हमारा दिल खिल चुका है। बहुत
आज के बाद अगर गर्लफ्रेंड की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आई तो उस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ कर गटर में बहाने की हिम्मत हमारे काउंसिल में है। जब आप लोगों का इतना साथ हमें मिलेगा फिर तो हमारी संगठन की शक्ति और बढ़ेगी। अब मैं बोलूंगा, इन दोनों को चुप रहने दो। अबे ये क्या कर रहा है तू, पागल हो गया? तेरी बीवी देखेगी तो मार डालेगी, सामने लाइव मीडिया है। मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया इसीलिए तो आया हूँ। हे ढीले, तेरा भी डाइवोर्स हो गया क्या? उसमें कितना टाइम लगता है? कल रात उसको झूठ बोला ना कि हॉस्पिटल में हूँ, ये सुनते ही वो मायके चली गई। वैसे एक बात बता देता हूँ, तुम दोनों को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे ढीले, ये बद्दुआ किसी और को देना, हम तो पहले से नर्क में। तेरा दर्द कम करता हूँ। दोस्तों स्वागत कीजिए, हमारे संगठन में एक पत्नी पीड़ित पति जुड़ चुके हैं। तालियां तालियां, 10 रुपए दूंगा, तालियां बजाओ। सर आप ऐसे धरने पर बैठकर जनता तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? देखिए इस दुनिया में ये लड़कियां जैसे गाड़ी चला के एक्सीडेंट करती है ना, वैसे ही घर में भी मर्दों के साथ इनको सिग्नल दिखता नहीं। कबूतर ने 5 मिनट पहले तो अंडा दिया है, उस अंडे को फोड़ के बाहर निकल रहा है। ऑमलेट बना के खा जाऊंगा। तुझे डायलॉग याद है, बोल। इस पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं औरतें हर एक सेकंड में 176,710 मर्दों की प्यार की कन्नी काट देती हैं। इंडिया में हर सेकंड 10,410, मुंबई में 2,148 और दिल्ली में 6,700। इसीलिए वो सारी लड़कियां जिन्होंने हमारा दिल तोड़ा है और हमें कहीं का नहीं छोड़ा है, जब तक वो नहीं समझती कि मर्द को भी दर्द होता है, हम ये भूख हड़ताल नहीं छोड़ेंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ तेरा दिमाग कमजोर है, स्कूल में भी घस घस करके पढ़ाई करता था, अब यहाँ इतने सारे आंकड़े के बाकड़े कैसे बिठा दिए यार? अरे कैसे नहीं देता, एक अच्छा नेता वही होता है जो बिना रुके अपनी स्पीच दे सके। मैं अब श्रवण नहीं रहा, चाणक्य हूँ। 10 रुपए। मैम आपका बॉयफ्रेंड आपसे दुखी होकर बीच सड़क पर भूख हड़ताल पर बैठ गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? इसमें मेरी कोई गलती नहीं, उसकी है। वो और उसके दोस्त सबके सब निकम्मे हैं, उन्हें कोई काम नहीं, भूख लगते ही हड़ताल वड़ताल सब भूल जाएंगे। उन निकम्मों के बारे में और कुछ नहीं कह सकती। थैंक यू। नाटक तो ऐसे कर रहे हैं जैसे महिलाओं ने इन पर अत्याचार किया हो। उन्हें कवरेज देकर हीरो मत बनाइए, वो इसके लायक ही नहीं है। हाय। सुनो, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ACP रास्ते में है, चुपचाप पतली गली से निकल लो। अरे सर जी, हम भी मोर्चे पे बैठे हैं, यहाँ गोल गोल रानी इतना इतना पानी नहीं खेल रहे हैं। ओ हेलो, तुम लोग उनके गुस्से को नहीं जानते। अरे जाना भाई। सर आपको गेस्ट अपीयरेंस में आना ही होगा। ये मित्रा, कोई पंगा तो नहीं होगा रे बाबा? अरे टेंशन मत ले, गेस्ट बन के आ रहे हैं ना, उसका गैस निकालेंगे। सर आगे। अरे सर कहाँ है? अच्छा आगे। नमस्ते सर। सर वो लोग वहाँ पर हैं। सर नमस्ते। सुना था कानून के हाथ लंबे होते हैं, हाथ के साथ साथ आदमी भी लंबे होते जा रहे हैं। सर पानी पूरी खिलाता हूँ। अकेला किधर है? वो तो यहाँ से निकल गई सर। क्या बोलते हो, निकल गई? अरे ऐसे कैसे निकल गई यार? हाँ सर। अरे तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सर वो इस हड़ताल के लिए यहाँ। हड़ताल के लिए तेल लगा ला। इतना सा था तब से अकेला का इतना बड़ा फैन। अकेला को मैंने पेपर में देखा है, पोस्टर में देखा है, सिनेमा में देखा है, यहाँ तक कि सपने में भी देखा है। समझून गया यार, हम पुलिस वालों का भी दिल होता है। सही कह रहे हैं सर। सर पुलिस वालों के पास काफी ताकत होती है ये तो पूरी दुनिया जानती है, पर दिल के बारे में बताना पड़ेगा सर। इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं? मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? सर लोग देख रहे हैं। ये तो टोके ची भजी साली है। और ये लोग अकेला यहाँ से चली गई है, इस बात से मैं पहले ही दुखी हूँ। एक दो तीन बोले उससे पहले निकल जाओ, वरना एक एक की तंगड़ी तोड़ के हाथ में दे दूंगा। एक दो तीन। अरे तुम लोग को व्हाट्सएप पे मैसेज करूँ क्या? हाँ सर, सर वो तो करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा है क्या? सुनो इन दोनों को गाड़ी में डाल दो और वो ब्लैक बैग लेना मत भूलना। क्या ब्लैक बैग? अब ये ब्लैक बैग का क्या चक्कर है? लगता है नल ठीक करने आया है एनकाउंटर के लिए। सर डिपार्टमेंट को पता चला तो बहुत प्रॉब्लम होगी। सर पता चलेगा तब प्रॉब्लम होगी ना, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। चल रहे सर, हमारे नेता को हाथ मत लगा। तो फिर तुझे तो हाथ लगा सकता हूँ ना। तू चल। चल क्या तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा। चल अच्छी तरह से सर जाकर कादर भाई रुको बाबा। कौन सा हाई कमांड? अरे सर जाने दो, छोड़ दो। अच्छा चलो ठीक है, दोस्त के साथ जाना पड़ेगा। मैं भी
सारे एक मिनट, अगर शूट ही करना है तो इसको पहले शूट करो। क्यों? क्योंकि हम दोनों की शादी हो गई है, हम दोनों जिंदा होने के बावजूद मौत के रास्ते पर ही चल रहे हैं। ये तो कंवारा ही जिंदा है, मार डालो इसे। क्या सर, मुझे लगा आप हमें टपका कर टुपुक टुपुक पीने वाले थे, लेकिन आप तो हमें टुपुक टुपुक पिला के मारने वाले हैं। पूरा ग्लास भरना। एक अबे, घर पे बाई को मेरे को पीने को नहीं देती है, बाहर जाकर पियो तो लोग कहते हैं वो देखो कमिश्नर पी रहा है, कमिश्नर पी रहा है। मेरी भी तो फीलिंग्स है, इसीलिए दुनिया से दूर मी सेटिंग करूं डेवलियर। चकना पेश करो। ए, तो प्रॉब्लम क्या है रे? वो हम तो आपका इनकाउंटर किया हुआ भूत आपको याद कर रहा है ना सर। बाय को सफोन। हेलो। हेलो। हाँ लक्ष्मी बोलना। कुठे आहे तुम्ही? मीटिंग मध्ये, थोड़ा उशीर होईल। अच्छा, दोस्तों के साथ वाली मीटिंग? नहीं नहीं, तुझसे वादा किया था ना कि मैं दोस्तों से नहीं मिलूंगा। आपकी बात मान। ऑफ कोर्स डार्लिंग। ठीक है ठीक है। अच्छा सुनी, चल आइए। ठीक। हाँ लक्ष्मी एक ना। कैसा लगा? आई लव यू। ओके। सर, आपकी बीवी का नाम लक्ष्मी है क्या? ए, फूटे हुए अंडे, अभी बीवी से बात हुई तो ठंड रखना। बीवी से बात करने के बाद नॉर्मल तो होने दे। सर, कौन सी वाली लक्ष्मी, पैसे वाली लक्ष्मी या घर वाली लक्ष्मी? सर सर, मजाक कर रहा था सर, सर बंदूक नीचे। इससे अच्छा तो हम उसी जगह पर हड़ताल कंटिन्यू करते। आपने हमें सपोर्ट क्यों नहीं किया? ए, क्योंकि तुम लोग का संगठन है, तुम लोग चिल्ला रहे हो, तुम ये भूख हड़ताल पे जा रहे हो, इससे समस्या का हल नहीं होगा। क्योंकि जब बनाने वाला नहीं समझ सका तो हम भी इसे नहीं समझ सकते। हमें कुछ नहीं समझ आया सर। कसा समझो यन्ना। ये क्या है? सुख में भी बैठते हैं, दुख में भी बैठते हैं, बैठने वाली बियर सर। इसको किसके साथ मिक्स करके पीते हैं? इसे मिक्स नहीं करते हैं सर, नीड ही पी जाते हैं। और ये क्या है? ब्रांडी है सर। इसको किसके साथ मिक्स करके पीते हैं? क्या नाम खराब कर रहे हैं सर, सॉफ्ट ड्रिंक पानी, नारियल पानी, जूस। मैंने तो इसको दूध के साथ मिलाकर भी पिया है, रातों रात गोरा हो गया। यही तो फंडा है। औरत है ना, बियर जैसी होती है, उसे किसी के साथ मिक्स नहीं कर सकते, वो एकदम यूनिक होती है, वही उसका नेचर होता है। लेकिन आदमी है ना, वो ब्रांडी जैसा होता है, दुनिया में किसी के साथ भी मिक्स हो जाता है, फिर भी उसमें बदलाव नहीं आता। और यही हम लोगों का नेचर है। एक बार तुम नेचर समझ गए ना, तो तुम्हारा फ्यूचर उज्जवल होगा, उज्जवल होगा, उज्जवल होगा। ए, तुम लोग रो क्यों रहे हो? अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड या वाइफ तुम्हारे दोस्त को पसंद नहीं करती तो दोस्ती वहीं तोड़ देनी चाहिए, तोड़ने का नाटक करना चाहिए। सुपर, इतनी बड़ी समस्या को आपने एक बोतल के साथ समझा दिया सर। बियर की बोतल पे आपकी फोटो होनी चाहिए। भाई, आज से अपनी कट्टी, तेरे से भी कट्टी, तेरे से भी कट्टी, तेरे से भी, और इसे भी सर, आपसे भी हमारी कट्टी, कट्टी कट्टी कट्टी, तीखा खड्डा जा, निकलता हूँ। हाँ, बना बना। तो भाई लोग, दोस्ती मेंटेन करने के लिए जो भी करना पड़े जायज है, उसके लिए थोड़ा बहुत झूठ वूट भी बोलना पड़े तो कुछ गलत नहीं है। गेस्ट अपीयरेंस में मैं आपको इतना ही समझा सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। गुल 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 गुल। अब ये क्या कर रहे हैं? सुहाग रात हम जमीन पे चटाई पे कैसे? ढाकी चिकी ढाकी चिकी ढाकी चिकी ढाकी चिकी। So cute. अब तुम्हें और मुझे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तू कितनी है सुंदर, तू बंदरी मैं बंदर। बस गाना ही गाते रहेंगे। Lights off, action. Catch catch. ये भी मर गया। मिस हो गया। Sorry, sorry. ये देखो। चल चलते। लेकिन क्या हुआ? अरे देखते नहीं, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं। ओहो, ये तो एक फिल्म है जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? लेकिन ये बहुत गलत है ना। काश सब आपकी तरह ही सोचते, आप चुपचाप फिल्म देखिए। आइला। हाँ डार्लिंग बोलो। कहाँ हो तुम? काम से बाहर हूँ। वासु के साथ है ना? वासु कौन? वो मैकेनिक वासु। बोलो जानू, क्यों याद किया? सुना है तुम्हारे दोस्त श्रवण को डेंगू हो गया है। उसे चाहे डेंगू हो जाए या पागल कुत्ता काट ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो मेरे बारे में सोचो, मस्त खाना बनाओ, जल्दी आता हूँ। ठीक है, रखती हूँ।
मुझे चूरन खिलाती है देर क्षणी। हाँ सोन पापड़ी बोल, कहाँ है आप? सैलून में। अच्छा, ऑफिस की न्यू ईयर पार्टी हो रही है वहीं पर है ना? अरे पापा मैं नहीं गया, मैं तो सैलून में हूँ। अंधा है क्या? बराबर दाढ़ी बना। हेलो क्या हुआ? रुको अभी कॉल करता हूँ। हाँ लक्ष्मी बोल ना। कुठे आए तुम्हें? मीटिंग में है, थोड़ा उशीर हुई। दोस्तों के साथ वाली मीटिंग? क्या है लक्ष्मी, तेरे को प्रॉमिस किया ना दोस्तों से नहीं मिलूंगा। आपकी बात मान लो। एब्सोल्युटली विश्वास थे। ठीक है लक्ष्मी आइक ना। कैसा ना? आई लव यू। ओके। चीयर्स।